अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुकद्दस मजीद, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूथ जनरल असेंबली, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एम्ड एट एम्पावरिंग द यंगस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग देम अ क्रेडिबल प्लेटफॉर्म टू शो ऑफ देयर कैपेबिलिटीज एंड गेट पॉलिश्ड. टुडे आई एम हियर विद YGA लीगल वेबिनार. And YGA Legal Forum is an initiative by Youth General Assembly in order to bridge the gap between the fresh graduates of law and the experts of law field. Also, we have initiated it in order to spread awareness among our people regarding Pakistani and international law. So in this webinar, we'll be having two sessions. The first session is need for prison reforms in Pakistan. And the second session is about the career of fresh law graduates. So I welcome you all in the first session of YGA Legal Webinar. And here we have so many brilliant guests with us. We have Ma'am Mehvish Muhib, who is the partner at Kakhel Law Associates and advocate and a legal consultant. Then we have Sir Jawad Zafar with us, who is an advocate at Supreme Court of Pakistan. We have Sir Ataullah Kundi with us, who is senior at associate at Kundi and advocate and legal consultant. Thank you so much, our worthy guests, for giving us your precious time. So let's begin. My first question is to Ma'am Mehvish Muhib, that the prisons are supposed to be the rehabilitation centers ke hamari society ke jo offenders hote hain, jo criminals hote hain, unko ek time ke liye specific duration depending on the thing or the crime which they have done, तो उनको एक स्पेसिफिक मुद्दत के लिए आप सेपरेट कर दें दूसरे लोगों से, और उसका मकसद ये हो उन लोगों की इसलाह जो कि ऑफेंडर्स हैं. तो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का काम होता है हमारी प्रिजन्स का. तो आप क्या समझती हैं कि टू विच एक्सटेंट द प्रिजन्स ऑफ पाकिस्तान आर प्लेइंग दिस रोल? यस मैम मेविश मुहिब. सबसे पहले तो जी देखिए, कोई बहुत हद तक कामयाब नहीं होते, निकलते हैं तो वही होते हैं कि अंदर जो है प्रेजेंस में वैसे हो. नॉर्मली अगर हम जाते हैं कि अंदर जो ड्रग्स का जो है कारोबार उन्होंने स्टार्ट किया हो, कोर्ट्स जो है वो अवेलेबल किए जाए. रिफॉर्मेशन ड्रग एडिक्ट्स के लिए भी रिहैबिलिटेशन सेंटर वहां पे बना लिया जाए, तो मेरे ख्याल से जो ड्रग एडिक्ट्स बाहर आएंगे ma'am, I think there is some connectivity issue. Could you please look into that? Okay, so I think ma'am Mehvish is facing, oh, she's back. Yes ma'am, please continue. Okay, so there are many prisoners in the jail, I mean, who are provided with different, you know, drugs when they are there. So drug addicts jo hai unko bhi cheeze provide ki jati hain. Similarly, there are many other issues which the prisoners are facing. So wahan pe unki rehabilitation ke bajaye unko jo hai wo cheeze provide ki jati hain. सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जेल के अंदर जिनका जिनको कॉन्विक्ट किया जाता है लेकिन उनका रिकॉर्ड वहां अवेलेबल नहीं होता. उनको अगर हम वहां पे रख लेते हैं
तो सबसे पहले उनकी रिहेबिलिटेशन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो उस तरीके से नहीं होती, क्योंकि वहां पे मारपीट हो रही होती है, जो कि दूसरे प्रिजनर्स जो हमारे पास VIP प्रिजनर्स होते हैं और जो पुअर प्रिजनर्स होते हैं. सो पुअर प्रिजनर्स आर देयर प्लेइंग द रोल ऑफ स्लेव्स, उनसे काम लिया जाता है. तो मेरे ख्याल से इस यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन, जो क्लास है, जो स्टेटस है, वहां पे भी कंटिन्यू करता है. वहां पे भी वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहे होते हैं. तो मेरे बहुत सारे ऐसे जो कुछ प्रोबोनो केसेस हम लेते हैं डिफेंस साइड से, क्योंकि उनके पास डिफेंस काउंसल्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो हम उनसे जब स्टोरीज सुनते हैं और बातें करते हैं, सो दे आर यूज्ड एज स्लेव्स फॉर द VIP प्रिजनर्स. तो आप उनसे क्या तवक्का करते हैं? उनके अंदर तो वो एक क्रिमिनल जो है वो और भी उजागर हो जाता है, और जब वो बाहर सोसाइटी में आता है तो उसमें वो लेवल ऑफ हेटरेड जो है वो बढ़ जाती है, वो कम नहीं होती. तो अगर वहां पे जो हमारे पास उनको मौके दिए जाएं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग्स, तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम दावे तो बहुत करते हैं, कुछ हद तक इम्प्रूव भी हुआ है, लेकिन वो दावे जो है वो हमारे बहुत हद तक जो है वो पूरी नहीं हमने की है. थैंक यू सो मच मैम. मेरा सवाल सर ताउल्लाह से ये है कि सर एक जनरल सा स्टेटमेंट है कि अगर पाकिस्तानी जो प्रिजन्स हैं उसमें अगर कोई चोर जाता है तो वो डाकू बन के वापस आता है, यानी कि ये वहाँ पे लेवल है कि आपको भेजा जा रहा है कि आप अपनी बेहतरी वहाँ से आपकी हो और आप वापस आए, वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का काम करे आपके लिए और आप एक बेहतर सिटीजन बन के आए, लेकिन आपकी हालत उससे अगर बैड थी तो वो वर्स हो जाती है. तो आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं आपको इसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन किया है कि हमारी जेल्स में बेसिकली दो किस्म के लोग होते हैं। एक अंडर प्रिजनर्स होते हैं जिनका ट्रायल होता है और एक होते हैं। अब इनमें फर्क तो दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो होता है जो हैबिचुअल बंदा जेल में बैठा होता है ऑफेंडर, और सेकंड वो होता है जो हालात के तहत चला गया होता है। जैसे कहीं किसी जगह कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसा इशू बन गया कि कोई अकरेंस हो गया और वो बेचारा लॉकअप में चला गया। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आने से पहले मैं एक बात आपको सुनाना चाहता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है, ये मेरे अपने प्रोफेशनल करियर की स्टोरी है। मेरे पास शायद 2013 की बात है, जब इलेक्शन हो रहा था, हमारा एक केस आया तो एक बच्चे को गाड़ी की चोरी में पकड़ा गया था। उसकी मैंने बेल करवाई तो उसके फादर को मैंने कहा कि अब ये अंदर गया है ना तो दोबारा ये जेल नहीं जाएगा, इसको अब संभाल नहीं, ये कहीं ऊपर ना चला जाए। और वही हुआ कि एग्जैक्टली कुछ 2 या 3 माह के बाद कहीं पुलिस एनकाउंटर हुआ और उसका मर्डर हो गया बेचारे का। होता क्या है कि वो बेचारा गाड़ी चोरी में गया, वहां पे कोई गैंग था उसके साथ मिल गया। जब बाहर आया तो वो उनके साथ ट्रेवल कर रहा था, पुलिस का एनकाउंटर हुआ और वो सबको मार दिया उन्होंने, इसके साथ इस बच्चे के। जो आपका बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि वहां पे पूरे पूरे गैंग्स बैठे होते हैं अंदर, जिनका एक साइड है मर्डर की है, जो वाइट क्राइम की है, वहां रहते हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं, जो रॉबरीज कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं, इस तरह जो नारकोटिक्स से रिलेटेड हैं वो सारे प्रोफेशनल लोग हैं। तो वो सारे के अंदर एक पूरा गैंग बना लेते हैं। अब उनको एक नया आला मिल जाता है, जब वो बाहर आता है तो वो उनके लिए काम करता है। तो रिजल्ट ये होता है कि जब एक बंदा अंदर जाता है तो हमारी जो बेसिक फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट है उसमें भी रिफॉर्मेटिव थ्योरी भी एक है, बजाय वो रिफॉर्म हो गया यानी कि वो उनसे मिल जाता है। अब इसकी बेसिक अगर आप वजह पूछे ना तो हमारी जो जेल जाना ये सारी ओवरक्राउडेड है, बिकॉज इतना रश है, इतना क्राइम हो रहा है, और हमने कुछ ऐसे लोगों को भी अंदर रखते हैं जेल में जिनके माइनर पीटी ऑफेंसेस होते हैं। इसके लिए भी थोड़ी सी एक हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल. इसके लिए लिखते भी हैं, कहते भी हैं कि लेजिस्लेशन करें उन ऑफेंसेस के लिए जिनकी 10 साल से कम सजा है और वाइट कलर क्राइम बनते हैं, उनमें लोगों को जेल भेजे ना डायरेक्टली एज अंडर ट्रायल प्रिजनर,
उनका ट्रायल करें, अगर उनके खिलाफ गिल्ट प्रूव होता है तो उनको कॉन्विक्ट कर दें उसे। तो इसमें बेसिकली इस पॉइंट के ऊपर लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। उसके बाद फिर एक वो क्लास पड़ी हुई है जिनके 10 10 साल केस ही खत्म नहीं होते, 10 साल बाद वो बाहर आ जाते हैं। अगर उनको छोड़ना ही है तो 6 माह में ट्रायल करें, उनको बाहर निकाल दें। तो जो बेसिक इशू है ना हमारा, वो ओवरक्राउडेड जो जेल है उसकी वजह से ना रिफॉर्म्स हो सकती हैं, ना रिहेबिलिटेशन हो सकती है, ना कुछ हो सकता है इसमें। थैंक यू सो मच सर। मेरा अगला सवाल सर अताउल्ला से है। सर व्हाट डू यू थिंक कि हमारे जो प्रिजन्स हैं उसपे रोल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट फॉर द काउंसलिंग ऑफ आर प्रिजनर्स वो कितना अहम है और इस पर कितना काम हो रहा है कि ऑलरेडी क्या उनको इंगेज किया जा रहा है हमारे प्रिजनर्स और ऑफेंडर्स की काउंसलिंग में या फिर अभी तक इस पे कोई हमें काम होता दिखाई नहीं देता। सर अताउल्ला कुड यू प्लीज आंसर दिस। आई थिंक सर इज हैविंग सम कनेक्टिविटी इशू। सो मैम मैविश व्हाट डू यू थिंक कि हमारी जो प्रिजन्स हैं उनके अंदर जो रोल ऑफ सोशियोलॉजिस्ट एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट है वो कितना जरूरी है और इस पर कितना काम हो रहा है अभी। देखिए काफी इनका रोल है, बहुत कम काम हो रहा है लेकिन समवट कुछ न कुछ काम जो है इसके ऊपर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसमें उनका जो रोल है वो प्ले होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सोशियोलॉजिस्ट उसके अंदर देखिए एक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, ठीक है, वो जब उसके अंदर आएंगे और एक सोसाइटी को चेंज करना वहां पे, तो इन क्रिमिनल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। यहाँ पे उनमें काफी पोटेंशियल है कि उनके अंदर चेंजेस आ जाए। आई थिंक सर इज बैक इफ यू वॉन्ट्स टू टेक दिस क्वेश्चन देन। जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर यू आर ऑडिबल। यस सर अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। देखिए, डेफिनेटली सिर्फ जेल में हमारे जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं या क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, सिर्फ जेल या प्रिजनर्स के लिए जरूरत नहीं है कि वो काम करें, हमारे माशरे के लिए भी जरूरी है काम करें। हमने उनकी जरूरत है, हमारे PPC में अगर अमेंडमेंट्स कर सकें उन पर काम करें। फौरी तौर पे क्या जरूरी है? फौरी तौर पे जरूरी है जो ऑलरेडी हमारा लॉ है, जो हमारी प्रिजनर्स को या प्रिजन्स को रेगुलेट करता है, उसकी इन्फोर्समेंट और इनकी इम्प्लीमेंटेशन। सो वी हैव अ प्राइमरी स्टेच्यूट जो कि हमारी प्रिजन्स को डील करता है, 1900 का जो हमारा एक्ट है, दैट इज प्रिजनर्स एक्ट 1900। उसके नीचे 1978 के हमारे रूल्स हैं, जो पाकिस्तान प्रिजन रूल्स, जिसको हम जेल मैनुअल भी कहते हैं। सो इट्स अ फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट। इसमें मोर देन 1200 रूल्स हैं जिसके नीचे डिफरेंट क्लासिफिकेशन है प्रिजनर्स की, और उसमें ड्यूटीज असाइन की गई हैं जो भी हमारी जेल अथॉरिटीज हैं। दुखी बात यह है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और क्यों नहीं है, जो कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जेल की दुनिया डिफरेंट है, हमें दिखती नहीं है। बाहर की दुनिया में अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचती है तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो पहुंच जाता है और उसको मीडिया भी कवर कर लेता है। जेल वाला अगर दुखी है या कोई प्रॉब्लम है, वो कहाँ जाएगा, उसकी रसाई नहीं है। इसलिए जो इम्पेरेटिव चीज है, जरूरी चीज है, रेगुलर इंस्पेक्शन टीम्स हैं, और वो भी रूल्स के नीचे मैकेनिज्म है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जुडिशरी, वो कमेटी का हिस्सा है जिन्हें रेगुलरली जाना चाहिए, वहां पे जाके इंस्पेक्ट करना चाहिए उनकी जो भी सिचुएशन है। मैं ये बताता चलूं कि जो बंदे जेल भेजे जाते हैं किसी सजा के तहत, इम्प्रिजनमेंट एक सजा है, उनसे लिबर्टी छीन ली जाती है, लेकिन लिबर्टी छीनने का मतलब ये नहीं है उनके बाकी जो इंसानी हकूक है वो छीन लिए। लिहाजा स्टेट की ये ड्यूटी मजीद बढ़ जाती है कि उनको बाकी बेसिक नेसेसिटीज है वो मिले, जिसमें एक मेडिकल केयर भी है जो कि वहां पे नहीं है। खाना पीना किस किस्म का है, शायद वहां पे नहीं है प्रॉपर। सोना जागना किस किस्म का है, शायद नहीं है। तो विद इन दैट फोर वॉल्स ऑफ जेल, उसके अंदर ड्यूटी कई गुना बढ़ जाती है स्टेट की, कि वो उनकी सारी ये जिम्मेदारी इंसानी हकूक की वो फराहम करें, जो दुख की बात है कि जहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा रही है। तो ये जो आपने सवाल किया था, वो स्टेट तो शायद डेफिनेटली इट्स आइडियल, उसमें भी काम करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो बुनियादी चीजें वो तो हम पहुंचाएं। और एक और अलमिया है बड़ा, कि
कि शायद जो मेजोरिटी वहां पे लोग हैं वो जो अंडर ट्रायल है। जवाब साहब ने जो जिक्र किया कि जो सजा के तौर पे गए हैं वो तो अलहदा है, हमारे बेल का जो लॉ है उसको रिविजिट होना चाहिए। हम अंडर ट्रायल जो एक्यूज है उनको भेज रहे हैं वहां पे, और शायद एक रिपोर्ट आई है अभी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक मैटर था और उन्होंने कमीशन फॉर्म किया था, वो कहते हैं कि 60% तो अंडर ट्रायल वहां पे हमारे एक्यूज हैं, तो जिनको अभी तक सजा भी नहीं हुई। और अगर हम अपना कन्विक्शन का रेशो देखें वो इतना लो है, इससे अंदाजा लगाएं कि हम बगैर सजा दिए उनको सजा के तौर पे जेल में रखे हुए हैं। ये तो उनके लिए भी तकलीफ देह बात है, और फिर उनके लिए भी है कि जो ओवर क्राउडेड हमने कर दिया और पॉपुलेशन मार के बढ़ा दी है और बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, लिहाजा मेरे ख्याल में ज्यादा तवज्जो इस टाइप की। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग दिस। और जैसा कि अभी सर अताउल्ला ने हाईलाइट किया कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज का और जो बेसिक नेसेसिटी तो बहुत सर काउंसलिंग तो फिर दूर की बात है, बेसिक नेसेसिटीज पे पहले हमें तवज्जो देनी होगी, उनकी बहुत बुरी हालत है हमारी प्रिजन्स में। तो यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि हमने जनरली बात की कि ये सिचुएशंस जो हैं वो बुरी हैं हमारी प्रिजन्स में, लेकिन जब हम इसमें थोड़ा जेंडर का एलिमेंट लेके आते हैं, हम वेमेन पर बात करते हैं, तो ये सिचुएशन हमें बदतरीन होती दिखाई देती है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी पढ़ने में आई और इस तरह के सर्वेज हुए और पता चला कि बहुत से वेमेन वहाँ पे स्टाफ के हाथों ही जिंसी हरासानी का शिकार होती हैं, सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होती हैं, और वो इसको कंप्लेन भी नहीं कर पाती हैं। अगर कोई विजिटर आता है, अगर वहाँ कंप्लेन करते हैं, फिर भी वो किसी स्टाफ से ही उनका आमना सामना होता है, तो वो आवाज़ भी वहाँ दब जाती है और वो वहाँ पे सेफ नहीं होती। तो मैम महविश, आपसे मेरा सवाल है कि आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखें, काफ़ी रिपोर्ट्स इसके ऊपर बनी हैं और काफ़ी जो है इस इशू को रेज भी किया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी जो फीमेल्स हैं, बेशक वो एक उनका जो है जो सेल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं उनकी वहां पे, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा हरासा होती हैं जेल्स के अंदर और उनको ये इशू फेस करना पड़ता है। इवन अगर वो कंप्लेंट भी करती हैं तो उसके बावजूद भी उनके कंप्लेंट्स को जो है सीरियसली नहीं लिया जाता और उसको दबा दिया जाता है या उनको जो है प्रेशराइज कर दिया जाता है और वो चुप रहती हैं। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स और भी इस किस्म की आती हैं कि ये जो जेल के अंदर कुछ फीमेल्स होती हैं उनको कुछ लेवल तक प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी यूज किया जाता है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात है कि जो बहुत सारी खवातीन जेलों में पड़ी हैं उनका हाइजीन का भी बहुत ज्यादा इशू है, उनके लिए जो फैसिलिटीज हैं, एक तो फूड फैसिलिटीज है हमारे पास जो कि वो बहुत खराब है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रिजनर को डाइजेस्टिव जो है इश्यूज जो है डाइजेशन के वो फेस करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि उनको नहीं प्रोवाइड किया जाता उस तरीके से जैसे प्रोवाइड करना चाहिए, तो हाइजीन का बहुत बड़ा इशू है। सिमिलरली जो बाथरूम्स होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, जिसकी वजह से उनको UTI इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे किडनी प्रॉब्लम्स जो हैं हो जाते हैं, बहुत सारे दूसरे मेडिकल इश्यूज हैं जो कि उनको होते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं जिनको मेरे ख्याल से जिसकी लिस्ट बननी चाहिए और उनको जो है फौरी तौर पर जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी होनी चाहिए जो होती नहीं है। बहुत सारे गायनी इश्यूज खवातीन को होते हैं जिसको नजरअंदाज कर दिया जाता है और उसको बड़े इशू की तरह नहीं लिया जाता। अगर हम देखें तो उनको प्रॉपर जो है बेसिक नेसेसिटीज मेरे ख्याल से टावल और साबुन की भी फैसिलिटी में कहूंगी कि उनको नहीं प्रोवाइड की जाती। अगर आप देखें तो साबुन भी प्रिजन्स में बेचे जाते हैं, यहाँ तक कि अगर आप देखो तो कुछ प्रिजनर्स जो है जो वहां पे रहते हैं जिनकी रिपोर्ट्स आती है तो वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर वहां पे आपको जैसे सर ने बताया कि वो ओवर क्राउडेड होते हैं और जिसकी वजह से स्केबीज का प्रॉब्लम बहुत होता है, स्किन डिजीजेस बहुत सारे हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने लिए स्पेस जो है वो रेंट पे लेते हैं और जो प्रिजनर वो रेंट पे दे रहा होता है या दे रही होती है वो अमाउंट जो है वो अपने घर वालों को बेचते हैं। तो मेरे ख्याल से छोटे छोटे जिसको हम इश्यूज बोलते हैं ये बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जिसकी पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और खवातीन को तो बहुत सारी इश्यूज होती हैं
फेस करने पड़ते हैं, मेरे ख्याल से उनको उस तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता। और जब भी ये बात होती है तो उन बेसिक नेसेसिटीज में जो उन खवातीन को देनी चाहिए वो नहीं दी जाती, तो मेरे ख्याल से इसको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिमिलरली बहुत सारी जो खवातीन होती हैं वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम से भी गुजर रही होती हैं, जिनको साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और मेरे ख्याल से एक रिफॉर्मेटरी रिफॉर्म्स अगर हम चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर उनको सोशो साइको जो ट्रीटमेंट्स है वो दिए जाए, एक साइकेट्रिक वहां अवेलेबल की जाए जो उनके मेंटल इश्यूज पर भी काम कर ले, तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा रिफॉर्म्स आ जाएंगे। और जब वो एक प्रिजन से बाहर निकलेंगी तो वो एक अलग इंसान होंगी, अदरवाइज जैसे सर ने भी बताया वहां पे गैंग्स बन जाते हैं और वो दूसरे जो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ उनका बैठना उठना होता है, तो वो जब वो बाहर निकलते हैं तो उनसे एक बहुत बड़ा प्रिजनर जो है, जो बहुत बड़ा सॉरी क्रिमिनल जो है वो बन के निकलता है। तो मेरे ख्याल से अगर इन छोटे छोटे इश्यूज पे एक साइकोलॉजिस्ट की वहां पे प्रॉपर काउंसलिंग हो, ये ना हो कि जस्ट डॉक्यूमेंटेशन के हद तक वो चीज हो, मेरे ख्याल से इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेक्स एंड बैलेंसेस रखने चाहिए कि जो अंदर साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं कि प्रॉपर थेरेपीज उनको दे रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं, उनकी काउंसलिंग्स हो रही है, साइको थेरेपीज हो रही है कि नहीं, ये सब चीजें अगर हम देख लें और उसको एक चेक एंड बैलेंस हो तो मेरे ख्याल से काफी हद तक रिफॉर्म्स आ जाएंगे। और जैसे आपने बताया कि हैरेसमेंट का इशू वो बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से इसको वहां पे रिकॉर्ड करना चाहिए और एक फीमेल ऑफिसर जो है मेरे ख्याल से स्पेशली इस इशू को एड्रेस करने के लिए वहां पे होनी चाहिए कि फीमेल्स के जो ये छोटे छोटे इशू जिसको हम कहते हैं वो एड्रेस किए जाए, और वहां पे भी एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी जाए कि अगर किसी जैसे कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट होती है उसी तरीके से जैसे सारे के सारे वर्क प्लेसेस में एक इंक्वायरी कमेटी बनी होती है जहां पे हैरेसमेंट को की कंप्लेंट्स दर्ज होती हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक हैरेसमेंट कमेटी की अगर एक छोटी सी इंक्वायरी कमेटी मौजूद हो तो वहां पे ये अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करे जिसके अंदर खामखा एक फीमेल होना बहुत जरूरी है, तो मेरे ख्याल से वो अगर वहां पे अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करे, वो उन कंप्लेंट्स को सुने, तो अगर कोई भी ऑफिसर या कोई भी पुलिस ऑफिसर हो या जेल के इंतजामिया में से हो या कोई भी हो जो कि वहां पे काम कर रहा है, एक एम्प्लॉई है वहां पे या बाहर का बंदा है, तो वो उनको रिपोर्ट कर सके और उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो और उसको एड्रेस किया जाए। और अगर कोई इस किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस है तो उसको जो है उस सर्विस से डिसमिस किया जाए और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन दिए जाए, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक जो है ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हाईलाइट किया। मेरा अगला सवाल सर जवाद जफर से है। सर, हमारा लॉ उन बच्चों के बारे में क्या कहता है जो कि तरह की वेमेन प्रिजनर्स के साथ होते हैं, उनके बेबीज और उनके बच्चे, तो क्या हमारी जो प्रिजन्स हैं वो इतनी सेफ हैं कि वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट इन प्रिजनर्स जो वेमेन प्रिजनर्स हैं इनके बच्चों को भी दे सकें? आप इस सिचुएशन पर क्या जी, कहते हैं? पहले पहले मैंने ना कुछ बातें ऐड करनी है जो पिछली जो मैम ने बातें की है ना, उसमें एक थोड़ी सी शायद मैं डिसएग्री करूंगा इस पॉइंट से। जेल्स के अंदर कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है, बिकॉज उनके जो सेल्स वगैरह होते हैं, उनके ऑफिसर्स वगैरह होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जेल ऑफिसर्स का, जेल एम्प्लॉयज का जो सलूक है ना जेल वालों के साथ, जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं या जो दूसरे होते हैं, वो इंतहाई गैर इंसानी होता है। वो जानवरों से भी बदतर सलूक होता है उनका, बिल्कुल गैर हेलो इंसानी होता है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का है ना, बिकॉज मैं बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा हूँ, हमें कभी आज तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं मिली जिसमें कोई ऐसी सामने केस आया हो। उसकी वजह यह है कि जब एक प्रिजनर होता है ना, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होता है, वो बेसिकली जुडिशियल कस्टडी में होता है। तो जुडिशियल कस्टडी मीन्स कि वो कोर्ट की कस्टडी में है जो बंदा या खातून है। तो अगर उसको कोई भी ग्रीवियंस है ना, तो वो अपने ग्रीवियंस की रजिस्ट्रेशन के लिए कंसर्न कोर्ट से, जहां पे उसका ट्रायल चल रहा है, वो वहां पे कह सकता है, और वो कोर्ट से खिलाफ एक्शन लेती है। पहली बात है तो मेडिकल की फैसिलिटीज का इशू है वहां पे, वो जो खवातीन की बहुत सारे इंटरनल इशू होते हैं जो उसके अलावा होता है, वो बिल्कुल है वहां पे, बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है। और उसके साथ मैं भी बात ये करूंगा कि जो बंदा कस्टडी में होता है,
वो तो जेल काट रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो उसकी फैमिली होती है ना, वो उससे ज्यादा सफर कर रही होती है, बिकॉज उन्होंने आना, मुलाकात करनी, कमाना, उसको खिलाना, उसको फीड करना, सारा कुछ करना, तो वो भी उतना ही सफर कर रहे होते हैं। तो एक बंदा अंदर जब होता है कस्टडी में, तो उसकी वाइफ बेशक बाहर होती है, लेकिन वो भी उतना ही सफर कर रही होती है जितना वो कर रहा होता है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कोर्ट्स है ना, अनफॉर्चुनेटली जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं इन पर्टिकुलर, वो बिल्कुल सही परफॉर्म नहीं कर रहे। बेशक, मतलब मैं बिल्कुल ओपनली ये बात कह रहा हूं। उसकी रीजन क्या है कि एक माइनर ऑफेंस है ना, उसमें चाहिए कि जिसको आपने एक दिन के बाद जो बेल देनी है, तो उसको आप उसी वक्त क्यों नहीं बेल देते? जैसे एक बंदा है, किसी से कुछ पकड़ा गया, कुछ प्रोहिबिटेड शराब पकड़ेगी, पर रिज्यूम कर ले, वो कहते हैं सॉरी जी, हमने एक दिन का नोटिस करना ही करना है। क्यों करना है जी? हमारी रूटीन है जी एक दिन नोटिस करना। भी क्यों रूटीन है आपकी? जब लॉ परमिट करते हैं आपको बेल दें उसको, तो आपने एक रात के लिए लॉकअप में क्यों भेजना है उस बंदे को? सिर्फ शौक पूरा करने के लिए, रूटीन है वो, ऐसा नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे? मतलब जो बेसिक मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इनको भी हाई देनी है, तो आप उसी वक्त ही बेल दें, ताकि वो बंदा जेल की हवाई ना खाए, वो पुलिस स्टेशन से आए कोर्ट में, उसकी बेल हो, अपने श्योरिटी बांट दे, बल्कि उसके पर्सनल बांट दें और उसको रिलीज कर दें। अच्छा, अब मैं जो कुंदी साहब ने पहले बात की है ना, मैं उसके साथ एग्री करता हूँ बेसिकली, कि जो वहां पे हाइजीन कंडीशन है, जो वहां पे इश्यूज है ना सारे लोगों के, वो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो अब जो आपका क्वेश्चन है, मैं उसके ऊपर आपको मैं छोटी सी बात इसमें ऐड करूंगा कि इसके ऊपर हमारा लॉ बहुत ही क्लियर है कि अगर किसी फीमेल के साथ कोई बेबी हो, तो उसको आप बिल्कुल रिलीज कर दें बेल के ऊपर, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही हीनियस नेचर का ऑफेंस हो। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितनी भी हीनियस नेचर का ऑफेंस हो, जितना भी हीनियस हो, आप उस खातून को उस, क्योंकि बच्चे को तो नहीं ना सफर करना, बच्चे को तो सजा ही नहीं हुई, सजा तो खातून को हुई है, या क्राइम किया तो खातून ने किया है, तो बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता। तो हम बजाय इसके कि हम बच्चे को साथ रखें जेल में कि वो सफर करे, तो हम खतून को क्यों ना बाहर निकाल दें कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, या तो हो ना कि हमारा इतना स्पीडी जस्टिस है कि हम 2 दिन में ट्रायल करके उधर फेंकते हैं। भी जब आपका केस वैसे ही 7 साल चल रहा है, 8 साल चल रहा है, तो वाई नॉट कि वो बच्चा बाहर हो और माँ भी बाहर रहे और वो फेस करे। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा आप उसकी इंफॉर्मेशन इस लेवल पे ले जाए, उसकी कंडीशन इस लेवल पे ले जाए, ये रोल के लिए ना स्टेट पेरेंटल रोल प्ले करती है। अगर ये दोनों जो है ना पेरेंटल रोल प्ले करे ना, क्योंकि इसके लिए तो हमें कोई देखे ना, हमें कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए कि जी एक बच्चे को हमने जेल में रखना है, उसके ना बहुत सारे पैसे चाहिए, ना बहुत सारी दौलतें चाहिए, सिर्फ जुडिशियल माइंड ही प्राइम होना ना इस बात के ऊपर। कि अगर हम इस्लामिक टीचिंग को देखें, या सोशल को देखें, या मोरालिटीज को देखें, किसी को उठा लें आप, तो एक बच्चा उसकी लाइफ जो है, उसको राइट ऑफ लाइफ आर्टिकल 9 जो देता है कि अगर वो जेल में जाएगा तो एक जानवर की लाइफ उससे बेहतर नहीं हो जाएगी? लेकिन कोई इंप्लीमेंट नहीं करता। तो इसके ऊपर पुराने वक्तों में भी ये होता था, और अब भी कुछ अदालतों में ये फैसले मौजूद हैं इस पॉइंट के ऊपर कि एक बच्चे को माँ के साथ जेल में ना भेजा जाए। बल्कि एक मैं केस करता होता था, एक ऑस्ट्रियन जो ऑस्ट्रिया यूरोपियन एक कंट्री है, उसकी एक खातून थी, वो आई थिंक शी स्पेंट 6 or 7 years इन लॉकअप कोट लखबा जेल में, तो उसकी बेटी यहाँ पे साथ रही लॉकअप में। तो उस बेचारी जो बेटी थी, उसको किस जुर्म की सजा मिली साथ के, वो 7 साल रह के अल्टीमेटली शी शी वाज एक्विटेड फ्रॉम द कोर्ट और वो वापस गई ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब इस एंगल से इसको देखने की जरूरत है कि इसके ऊपर थोड़ा सा अगर कोर्ट लीनियंट हो जाए ना, कि आप सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस को जरूर देखें, लेकिन बच्चे को आप इसमें स्पेयर करें, तो माँ को भी बाहर निकाल दें, बच्चे को भी बाहर निकाल दें, चूंकि कल कन्विक्शन होगी। तो बल्कि इसके ऊपर तो अगर इस्लामिक टीचिंग को देखें, तो मुझे थोड़ा सा याद पड़ रहा है कि इसके ऊपर ये है कि कोई ऐसी प्रेग्नेंट खातून को अपने एग्जीक्यूट भी करना हो ना किसी इशू में फंस करें, तो आपको वेट करना पड़ता था उसका, कि वो बच्चा पैदा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, फिर उसके बाद जो ओल्ड टाइम्स में होता था। तो अब इतने मॉडर्न टाइम्स में भी आके हम लोग इस बात को बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सके कि एक बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमास में ब्लैक एंड व्हाइट ये बात कर दें कि जिस खातून के साथ बच्चा होगा। अच्छा, अब अगर इस पे भी थोड़ा सा अगर हम आ जाएं,
कि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे बीट करती है लॉ को, कि हम ये ऑप्शन दे दें जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं वो बच्चा पैदा करें साजिश बना मार दें कि हमें तो अंदर जाना ही नहीं है, तो ये भी एक ऑप्शन इसमें आ जाएगी। तो इसलिए बेशक ये आ जाए, लॉ बेशक मिसयूज हो, बिकॉज जो कोर्ट्स होती हैं वो क्राइम कंट्रोल सेंटर नहीं होती, होता है हालात के मुताबिक करना होता है। तो आई थिंक कोर्ट शुड प्ले देयर पेरेंटल रोल। तो उसके बाद जो जितने भी ऐसे केसेस हैं जिनमें बच्चे आज भी बंद हैं, वो तो एक पिन वो सिर्फ चलाएं और उन सबको बाहर निकाल दें, मेरी सिर्फ पर्सनल ओपिनियन ये है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ बातें हमारे साथ शेयर की कि उन बच्चों की सोशलाइजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है जो इस तरह के ऑफेंडर्स के बच्चे होते हैं, और हमें इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए चीज़ को देखना चाहिए और इसका फैसला करना चाहिए। तो मेरा अगला सवाल सर अताउल्ला से है। सर, हाउ डू यू सी द ट्रांसजेंडर्स एंड द प्रिजंस ऑफ पाकिस्तान, कि हमारी जो जेल है, हमारे प्रिजंस हैं, उसमें ट्रांसजेंडर्स को किस तरह से रखा जाता है, हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है, और क्या हालात हैं जो अगर हम रियल ग्राउंड्स पे देखें तो क्या हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस वक्त जिनसे गुजर रही है। आवाज मेरी आ रही है? Yes, sir, you're audible. Sir, thank you, thank you. Frankly, transgender के हवाले से prisons में क्या mechanism है? No idea, frankly. और आया कोई rules हमारे उसको address करते हैं? No. इसके बारे में I'm blank totally. How they treat transgender से अगर हमारे women cells हैं और male cells अलग हैं, तो how we determine कि ये जो ट्रांसजेंडर है इसको हमने किस सेल में रखना है? एंड आई डाउट कि हमारे पास कोई ट्रांसजेंडर के लिए कोई अलग सेल होंगे। सो शायद ये करते हों कि परसेंटेज जो जिनको वो खातून समझते हैं शायद उनको उस सेल में डालते हो, बट आई हैव नो क्लू। हो सकता है हमारे गेस्ट में से किसी को कुछ क्लू हो। थैंक यू सर। मैम महवेश, आप इसके बारे में क्या राय रखती हैं कि हमारे प्रिजंस में ट्रांसजेंडर्स का क्या स्टेटस है? देखिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए स्टेटस क्या है, जैसे कि हॉस्पिटल्स में उनके लिए डिफरेंट बेड्स नहीं होते, सिमिलरली मुझे इतनी इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन जितना मुझे लगता है अभी तक मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन डेफिनेटली सबसे पहले तो इनके लिए डिफरेंट सेल्स होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर डिफरेंट सेल्स नहीं होते तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि अगर ट्रांसजेंडर, जिन ट्रांसजेंडर्स में मेल जो है वो ज्यादा है, वो जो मेल डोमिनेंसी उसमें ज्यादा है, उनको मेल के सेंट उसमें रखा जाए सेल्स में, और जिनके फीमेल की डोमिनेंसी ज्यादा है हॉर्मोन्स की, उनको फिर रखा जाए फीमेल सेल्स में। लेकिन बेहतर ये होगा कि इनके लिए डिफरेंट सेल्स जो है वो बना लिए जाए, क्योंकि अगर वो मेल सेल्स में आप रख भी दो उनको, तो वहां पे जैसे हमने पहले कहा हैरेसमेंट के इश्यूज जो है वो फेस कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और उनके लिए उनको मेल सेल्स में रखना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। बेहतर ये है कि हमारे जो रूल्स हैं, हमारे एक्ट्स हैं, उसमें चेंजेस लाए जाएं और ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है वो डिफरेंट सेल्स जो है वो बना लिए जाएं। थैंक यू मैम। सर जवाद जफर, आप क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स के हवाले से हमारी प्रिजंस में उनका स्टेटस क्या है और उनके करंट हालात क्या है? वो मैं तो वहीं से कंटिन्यू करेगा जैसे कुंदी साहब ने छोड़ा है कि अभी रूल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता इसके ऊपर क्या है, लेकिन वो हो भी नहीं सकती। उसकी रीजन ये है कि जब तक पहले ये होता था कि आईडी कार्ड के मुताबिक वो रखते हैं, कि अगर आईडी कार्ड पे उसको मेल लिखा होगा तो उसको मेल में भेज देना है, आईडी कार्ड में फीमेल है तो फीमेल में बने होते। वैसे स्पेशल हमारे पास दो या तीन है शायद। सर आई थिंक आपका कोई कनेक्टिविटी इशू है, आप प्लीज इसको एक दफा देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, आई थिंक सर इज फेसिंग सम कनेक्टिविटी इशू। सो नाउ माय को मॉडरेटर अरीज सुहेल भुट्टा, हु इज अ सीनियर मेंबर ऑफ यू जनरल असेंबली एंड YG लीगल फोरम एज वेल, शी विल आस्क सम क्वेश्चंस। आवाज आ रही है?
जी मैं उसको थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ उस बात को। उसके लिए जो छोटी उम्र के होते हैं ना, उनके लिए तो वैसे ही सेपरेट होती है। अच्छा, अब हम सारी बात को मान लें कि जी ट्रांसजेंडर के लिए अगर हम अलग एक सेल बना दें जेल में, तो बेसिक क्वेश्चन ये पैदा हो जाएगा फिर कि उनकी जो निगरानी वो कौन करेगा वहां पे, और उनके लिए ऑफिशियल कौन से डिप्यूट होंगे। तो आई थिंक वी हैव टू रिक्रूट सम ट्रांसजेंडर जेल एम्प्लॉयज एज वेल, ताकि जहां जिस सेल में रखे ना, देखे ना, अगर हम मेल एम्प्लॉयज को वहां भेजेंगे तो फिर भी गड़बड़ होगी, फीमेल को भेजेंगे फिर भी गड़बड़ होगी। तो पहले तो इसके ऊपर एक पूरा वो करके एक लॉ थोड़ा सा डिवेल्प कर। मेरे ख्याल आईडी कार्ड्स में मुझे इतना नहीं है वो, लेकिन मैंने सुना है, शायद पढ़ा है कि आईडी कार्ड्स में अब इतना शुरू कर दिया है उन्होंने ट्रांसजेंडर्स, तो लिखना शुरू कर दिया है। तो हमारे जेल में सेपरेट सेल्स बना दें, उनके लिए रिक्रूटमेंट कर लें, तो पूरा इसमें मसला बन जाएगा। और वैसे भी वो जिस तरह की अल्लाह ताला ने मासूम लोग होते हैं उन्होंने क्या जुर्म करना होता है, मतलब मेरा तो ख्याल है कभी ऐसे सुनते बहुत काम में कोई नाजायज, कोई पुलिस वाले वैसे कहीं, अब देखना मैंने ही फेसबुक पोस्ट किया था कि वो कहीं फंक्शन कर रहे थे, पुलिस वाले जाकर मारा उनको, मारा उठा के थाने में फेंक दिया। तो अब उसके ऊपर हमने आवाज उठाई उस वक्त कि यार क्या जुल्म करते हैं आप उनके साथ, कि उनकी लाइफ है, लिबर्टी है, उनको मूव करने के लिए। तो मेरी ये ओपिनियन के बारे में। थैंक यू सो मच सर. नाउ अरीज विल कंटिन्यू. अस्सलाम वालेकुम. तो वालेकुम जैसे जो सलाम। आपने राइटफुली रेज किया प्रॉब्लम ओवर क्राउडिंग का, तो इन पर्टिकुलरली मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, जो हमारे जुवेनाइल प्रिजनर्स होते हैं, उनको भी हम बाकी सारे क्रिमिनल्स, हार्डन क्रिमिनल्स जो होते हैं उन्हीं के साथ रखते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं माशरे में, उन इंडिविजुअल्स में, और इन मसाइल को हल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रिजनर रिफॉर्म में क्या इकदाम लेने जाने चाहिए? सर आपसे, सर जवाब से स्टार्ट करेंगे. सर सॉरी वो चले गए. मैम आप प्लीज इसमें अपनी राय दीजिए. हेलो मैम. देखिए मोस्टली तो जुवेनाइल्स को अलग रखा जाता है. एम आई ऑडिबल? जी मोस्टली जो जुवेनाइल्स होते हैं उनको अलग रखा जाता है, जिसको मुंडा खाना बोलते हैं. वहां पे मोस्टली जो हमारे जुवेनाइल्स होते हैं वहां पे रखे जाते हैं, तो वो अलग रहते हैं. उनका मोस्टली जो हमारे पास हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, जो कि हाइनेस क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो बिल्कुल अलग सेल्स में होते हैं. इसके ऊपर मेरे ख्याल से सर ज्यादा अच्छे से कॉमेंट भी कर सकेंगे, क्योंकि वो एक साथ रखे नहीं जाते. देयर कैप्ट इन सेपरेट सेल्स. ओके सर, कुंडी सर आप इसके अंदर प्लीज अपनी राय का इस्तेमाल कीजिए. सॉरी सॉरी मुझे क्या है? तो ये तो क्लियर है। जी, थैंक यू जगह, थैंक यू वेरी मच। अगेन रूल में क्लियर है कि जो जुवेनाइल्स है उनको अलग रखा जाता है। वन नंबर टू, कुछ रूल्स में ये भी है कि अगेन द प्रिजन रूल्स जिसको हम जेल मैनुअल भी कहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का भी स्पेशली बंदोबस्त किया जाता है, जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और ऐसे बच्चे जो अंडर एज हैं और उनके एक स्पेसिफिक सेंटेंस को देखते हुए, कभी सेंटेंस इतनी है जिम्मेदारी स्टेट की बन जाती है कि उनको पढ़ाना लिखाना भी और उनके लिए स्कूलिंग का बंदोबस्त करना है जेल में, तो न सिर्फ उनको अलग रखा जाएगा उनकी स्कूलिंग का भी बंदोबस्त किया जाएगा। प्रॉब्लम अगेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रूल्स। ये नहीं कि कानून है नहीं, ये नहीं कि रूल्स नहीं है, पहले से मौजूद है। अगर काश ये इम्प्लीमेंट हो जाए और इसकी तरफ अगर तवज्जो दी जाए, मसला सिर्फ जेल के हवाले से ये है। जाना जरूरी है, विजिट जरूरी है, मॉनिटरिंग जरूरी है, ये अगर शुरू कर दें। सर यू आर नॉट ऑडिबल। अब यदि इस्लामाबाद में हमारी जेल नहीं है, उस पर काम हो रहा है, अगर वो जेल बन जाती है और स्पेस का इशू हल हो जाता है, तो बाकी चीजें भी जरा मैनेज करना आसान हो जाती है। अगर आपके पास स्पेस ही नहीं है, लॉजिस्टिकली आप क्रिपल्ड हो, लिमिटेशंस हैं, आप बाकी चीजें नहीं कर सकते। सपोज हम कहते हैं कि जी बच्चों को अलग रखना है और जगह नहीं हमारे पास, हम क्या करेंगे? वन नंबर टू, तो ये प्रॉब्लम जैसे हैं, इसको आइसोलेशन में ठीक किया नहीं जा सकता अनफॉर्चुनेटली। आपको सारे मामलों को देखना है, लाइक जेलें भर क्यों जाती हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, अनफॉर्चुनेटली
अंडर ट्रायल जो एक्यूज्ड हैं, जो कि प्रिजनर्स नहीं है बाय डेफिनेशन, वो वहां पे हैं, उन्होंने जगह ले ली है। वो क्यों अंडर ट्रायल वहां पे क्यों है? क्योंकि ट्रायल बड़ा लंबा चलता है, हमारा डिसाइड नहीं होता और वहां पड़े रहते हैं। बेल के हवाले से कानून में सख्ती है, सो 10 साल से कम के जो जराइम है उसके बारे में कानून कहता है बेल में भी ग्रांटेड, उनको आसानी से बेल मिल जाती है, मिल भी जानी चाहिए। जवाब साहब ने कहा कि कुछ दिन उसमें वैसे डिले होता है, दिनों की तो फिर भी खैर है जवाब साहब, प्रॉब्लम ये है कि उसमें अगर बेल रिफ्यूज हो जाए तो महीनों वहां पे हो, इसका क्या करें? नंबर टू, 10 साल और उससे ज्यादा की सजाओं के बारे में सख्ती है, हम उसको कहते हैं जी प्रोहिबिशन है लॉ में, और उस क्लॉज को हम प्रोहिबिटरी क्लॉज कहते हैं जी। अगर कोई शख्स पे इल्जाम है कि उसने ऐसा जुर्म किया जो 10 साल या उससे ज्यादा की सजा है उसकी, और देर आर ग्राउंड टू बिलीव कि उसने किया होगा, आप उसको जमानत नहीं देंगे। आई थिंक इसको रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ गई है बहुत से केसेस में हम जब भी केस करते हैं किसी पे इल्जाम लगाते हैं, ज्यादा तवज्जो ये होती है जमानत ना होने पाए, हमें पता हो कि इवेंचुअली शायद वो बरी हो जाएगा, लेकिन केस ऐसा बनाना चाहिए उसकी जमानत ना हो। लिहाजा ये जो हमारा रिट्रीब्यूशन का है या डिटरेंस है वो यही आके रुक गई है कि जी इस केस में जमानत नहीं होगी और बंदा अंदर रहेगा जब तक केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में इवेंचुअली वो बरी हो जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि जो 20 साल गुजर गए उसके अंदर और बंदे पे वो सजा भी हम नहीं दे सके, जिसको वापस क्या सीखे जाएंगे। वेरी मतलब है कि सीरियसली सोचना चाहिए, हमारे में बेल को इतना आसान बनाना चाहिए कि जो अंडर ट्रायल, जो जवाब साहब ने भी कहा कि अंडर ट्रायल जो हमारे एक्यूज है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो श्योरिटीज लेके बाहर ही रहें, अंदर जेल में ना जाए, अनलेस सिर्फ ये हो, एक्सेप्शन ये होना चाहिए कि दोबारा उनकी तरफ से कोई कमीशन का चांस तो नहीं है, या एविडेंस को टेम्पर तो नहीं करेंगे, या एब्सकॉन्ड तो नहीं कर देंगे, इसके अलावा कोई ग्राउंड नहीं होना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। इससे हम थोड़ा सा काबू पा लेंगे और फिर पॉपुलेशन वहाँ की जरा काम करेंगे, स्पेसेस ज्यादा होंगी तो फिर इम्प्लीमेंटेशन जो रूल्स है उसकी भी जरा काम करेंगे, और फिर थोड़ी सी मॉनिटरिंग, आजकल तो हर जगह कैमरेज लग सकते हैं, और वो कैमरे सिर्फ जेल अथॉरिटीज के लिए नहीं होने चाहिए, उन कैमरों तक एक्सेस होने चाहिए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, और फिर उनको एक्सेस देना चाहिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का जो एक आइडिया है, प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है, ये प्रिजनर्स को एक्सेस होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पोर्टल तक, कि अपने जितने भी इश्यूज हैं, ग्रीवेंसेज हैं, उसके ऊपर अपलोड कर सकते, उनको एक्सेस होना चाहिए, फ्री नेट होना चाहिए उनके पास, इस हवाले से अपने ग्रीवेंसेज देख सकते हैं। और क्यों ना ये किया जाए, किसी एक जुडिशियल ऑफिसर की ड्यूटी हो पाएगा, वो वहीं पे बैठे जो कि उन्हीं के ग्रीवेंस सुने, उनको वहीं पे है, हमारे लॉयर्स जो है वो पहुंच जाते हैं हर जगह पे, जहां पे कोर्ट होगी लॉयर वहां पहुंच जाए उनके लिए। तो अगर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी यही हो कि उन्होंने उनके केसेस नहीं सुनने, उन्होंने उनके ग्रीवेंस सुननी है, उनकी तरफ से जो पिटिशन आएंगे, जो शिकायत आएंगे, वो वही बैठ के सुनाएंगे, ठीक है, इससे भी काफी मेरे ख्याल में काबू पाया जा सकता है, और मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन रूल्स की बेहतर की जा सकती है। थैंक यू सो मच सर। मैं सर जवाब से पूछना चाहूंगी कि हमारी प्रिजन किस हद तक इक्विप्ड हैं डिफरेंटली एबल्ड और मेंटली चैलेंज्ड प्रिजनर्स को हैंडल करने में, क्या उसके अंदर कौन से रिफॉर्म्स की जरूरत है, और हम कहाँ तक सक्सेसफुल हो चुके हैं उनको सही तरीके से अपने प्रिजन्स में रखने के लिए। हेलो सर, आप आवाज सुन सकते हैं? आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हुई है, प्लीज रिपीट कीजिए। आपकी आवाज ब्रेक हुई है, रिपीट कीजिए क्वेश्चन प्लीज। सर मैं पूछना चाह रही हूं कि हमारी प्रिजन किस हद तक इक्विप्ड हैं डिफरेंटली एबल्ड और मेंटली चैलेंज्ड प्रिजनर्स के साथ बर्ताव करने में, क्या हमारे पास कौन से रिफॉर्म्स हैं जो उन सिर्फ उन्हीं के लिए बने हैं, और उनकी प्रिजन क्या उनके प्रॉब्लम्स के लिए को हल करने में उनका फायदा देती हैं कि नहीं? हेलो सर, जी जी मैं सुन रहा हूँ, प्लीज सर तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कि हमारे मेरी देखें जहां तक इस बात का ताल्लुक है ना कि एक्यूट कितनी है हमारी, सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है हमारी, जेल ब्रेकिंग कभी सुनी नहीं है ना हुई है कोई गुज़िश्ता 30-35 साल में, कोई मासवाई केपी में शायद कोई एक आधा इशू हुआ है तो पंजाब में तो कभी नहीं सुना ना ऐसा हुआ है, सिक्योरिटी का लेवल बहुत आला है। अब मैं फिर रिएक्टेट करूंगा उस पॉइंट के ऊपर कि जो जेल का अमला है ना उनका
कैदियों के साथ बहुत ही हद तक हमेशा सलूक है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, इसकी जो अब जब इनकी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं ना कोर्ट्स के अंदर, अगर आप उस पर फोकस करें तो वो जो प्रिजनर्स वैन कहते हैं हम उनको, प्रिजनर्स वैन जो होती है ना हमारी, वो वैन इतनी गंदी और लोहे की बनी होती हैं, ऊपर से सूरज पड़ रहा होता है, कहीं रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, उनका अंदर बेचारों का वो बारबेक्यू बन जाता है कैदियों का जो भी मूव हो रहे थे। तो उसके लिए कोई सिस्टम चाहिए कि हम क्यों उनको मूव करते हैं, हम उनको ऑनलाइन रखें। हर कोर्ट को देखें, टोल प्लाजा पे आप जाएं तो हर टोल प्लाजा तो ई बना दिया है हमने, तो कोर्ट्स को बनाने में क्या तकलीफ है हमें, मुझे ये नहीं समझ आती कि आप कोर्ट्स को ई कोर्ट बना दें। हर जेल में अगर रूम्स हों, हर बंदा सामने आए कैमरे के, पूरी लाइन लगी हो, क्यों लगी हो, स्काइप का दौर है, मोबाइल फोन का दौर है, वकील साहब के पास ये ऑब्जेक्शन ही नहीं है कि मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता स्काइप पे आप आ जाएं, विटनेस नहीं आ सकता तो स्काइप पे आ जाए विटनेस, तो ये सारे इश्यूज रिजॉल्व कैसे होंगे। कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है, लॉयर्स के ऊपर और कोर्ट्स के ऊपर और जुडिशियल सिस्टम के ऊपर। अब जो कुंदी साहब ये बात कह रहे थे ना कि विजिट करना चाहिए, तो ये हमारे ही कोर्ट्स की ड्यूटी है ये कि वो ही जाए वहां पर जाके विजिट करें उनको। तो अब मेरा जो बेसिक इसके ऊपर कहना ना वो ये है कि एक तो देखे ना, किसी की डेथ हो जाती है, किसी की जितना मर्जी बड़ा क्रिमिनल हो, देखें उसके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड ही ना होते, वो तो वही है जो बाहर वाले बंदे के हैं, तो उसकी लाइफ हमने वो तो रखनी है ना जो जानवर से थोड़ी सी ऊपर हो, ये तो जानवर से नीचे ले गए हुए हम बिल्कुल। किसी की डेथ होगी प्यारे की तो उसको हमने वहां पे जाने नहीं देना, किसी को कोई मसला हो गया डॉक्टर लिख दे तो कोर्ट्स अपनी रिलक्टेंस शो करती है कि पता नहीं ये क्यों ऐसे हो गया। तो मेरे ख्याल में जो हमारी जेल्स है ना वो बिल्कुल इक्विप नहीं है इस मामले में किसी किस्म की, वो सिर्फ दो चीजों के लिए इक्विप्ड है, एक सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, एक अफसरों की जो होती है ना ठोक ठगा होती है वो बहुत आला है इनकी, कि वो मूवमेंट होती है, सैल्यूट पढ़ते हैं उनको, वो फलां साहब आ रहे हैं छुप जाए, ऐसे हो जाए, ये हो गया, वो हो गया, मूवमेंट हुई, मतलब वो एक हो रहा है वहां पे, तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अब कुछ सुना है कि फूड के मामले में कुछ इंप्रूव किया है, बल्कि एक दफा शेख नजम साहब हमारे होते थे हाईकोर्ट के जज, उन्होंने ये बात कही थी कि हमें एक जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है वो 10,000 पर मंथ में पड़ता है, तो हम क्यों रखें इनको अंदर। लेकिन वो भी बेल देने में बहुत ही वो होते थे, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता कि कंजूसी टाइप वो करते थे। तो यही मैं बात जो बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके लिए आप रिफॉर्म करें, जो कॉन्विक्ट है ना उनके लिए फिर भी बेहतर है हालात, क्योंकि उनके सेल्स ज्यादा है, वो वहां पे चले गए होते हैं, उनको पता है सजा होगी, फाइनल एडजुडिकेशन है, हमने काटनी है, उनके घर वाले भी एडजस्ट कर चुके होते हैं। ये बेचारे जो दरमियान में होते हैं ना उधर के ना इधर के, वो जो जैसे मैडम ने क्वेश्चन किया ट्रांसजेंडर वाला, ये बेचारे वहीं फंसे होते हैं हर वक्त। थैंक यू सो मच सर। मूविंग ऑन टू मैम महवेश, मैम आप क्या राय रखती हैं इस बारे में कि हमारे प्रेजेंट डिफरेंटली एबल और मेंटली चैलेंज प्रिजनर्स के लिए खास तौर पे किस हद तक वेल इक्विप्ड हैं? देखिए जी, उससे अगर मैं बात करूं तो जो मेंटली चैलेंज्ड हैं उनके लिए इस किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है। स्पेशली केपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे प्रिजनर्स के लिए रिहाई सहूलियात जो है मतलब फैसिलिटीज नहीं है, और ना ही इनके ऊपर उस तरीके से काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इन पे काम करना चाहिए। नॉर्मली जो जो बहुत मेंटली सिक होते हैं जिनको मेडिकेशन की जरूरत होती है, तो हमारे जो जेल होते हैं उनके साथ ही मेंटल हॉस्पिटल करीब होता है, ठीक है। तो जो मेंटली सिक होते हैं, जो इंसेन होते हैं, उनको वहां पे रखा जाता है। तो जब वो थोड़ा सा जब उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है और वो थोड़ा बेहतर होते हैं, उनको फिर प्रिजन में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जब वो मेंटली चैलेंज्ड हो तब तक जो इंसेन होते हैं, जैसे आपने बात किया, उनको प्रिजन में तब तक नहीं रखते जब तक कि उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं होती। और बिल्कुल केपी में तो हमारे पास बिल्कुल जो मेंटल हॉस्पिटल है वो बिल्कुल उसके अंदर ही है, और वहां पर उन प्रिजनर्स को जो है वो रखा जाता है। थैंक यू मैम। सर कुंडी सर, आप प्लीज इस बारे में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगेन यहां पे फैसिलिटीज का बेसिक राइट ना हो वहां पे आपकी आवाज ब्रेक कर रही है। हेलो सर, सर यू आर नॉट ऑडिबल।
वॉज ब्रेक कर रही है. आई विश कि हम अपनी इस डिस्कशन को आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम इज वेरी शॉर्ट और हमारे अगले सेशन का भी टाइम हुआ जाता है. सो थैंक यू सो मच टू आवर वर्दी गेस्ट कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे यंगस्टर्स को इनलाइटन करने के लिए आपने हमारे इस सेशन को ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. Assalamu alaikum everyone. So dear viewers, we are back with our second session, which is the career for the fresh law graduates. We have amazing guests with us. So let me introduce them to all of you. We have Barrister Haris Azmat, who is Advocate Supreme Court of Pakistan. Then we have Sir Mia Ali Ashfaq, who is senior partner at S. and Masood Associates. We have Ma'am Waiza Rafiq, who is a very well-known lawyer of Pakistan, and she is currently on a British Chevening Scholarship. Also, she is a writer. And then we have Sir Rana Sajjad Ahmed, who is the founder and president, Center for International Investment and Commercial Arbitration. So Sir Rana Sajjad is
joining us. I think he's having some connectivity issues, so he'll be with us soon. Also, we'll be having with us Sir Tahir Chaudhary, who is Advocate Lahore High Court. So let's start our discussion for this session. So my first question is to Sir Barrister Haris Azmat. That, sir, we see the number of lawyers in Pakistan increasing day by day, that a lot of students are taking admission in the field of law. But do you think that the skill development of such lawyers and the admission in this field, the increasing of the law institutes, the producing of so many lawyers, are these on the same page? Are we producing lawyers who are skillful enough to cope with today's needs? What do you think, sir? Ji, there are a couple of questions. इसके अंदर पहला इशू तो ये है कि जितना मर्जी आप किसी लॉ स्कूल से पढ़ लें, इट डज द प्रैक्टिकल डिफरेंस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. सो व्हाट यू लर्न ऑन द जॉब व्हाइल यू जॉइन अ गुड लॉ फर्म और अ गुड उस्ताद इज एब्सोल्युटली डिफरेंट. एज एन एम्प्लॉयर ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स, व्हाट आई हैव सीन इज probably the best training that one gets is from LAMS. LAMS students are quite well equipped with the local laws, with research, but even then it's still not the same with the kind of practical training that one would gain. Is wajah se humne apne bachchon ko bhi ek jo naye students join karte hain, I would also advise them to keep their expectations low. Because once when a new student comes in and joins a law firm, for me, he is not very useful to begin with. That, in fact, the firm is giving him more than he is giving to the firm. So what is really important is that agar wo expectation low and with the learning expectations se aayenge, to then they can go far. And people who have come with the same expectation and stayed with us for a couple of years, to phir jab wo jaane lagte hain, so we had to stop them and pay them whatever they want, or at least whatever we can at least pay to stop them. Because 2 saal baad jaakar ek associate, real, actual, useful associate hota hai, jisko pata hota hai ki civil suit kab karna hai, writ kab karni hai, who can argue applications, who can take care of your maybe to begin with the lower court work. Jahan tak aapka sawal hai ki hamare ek to masla ye hai कि अभी भी एंट्रेंस एंटरिंग इनटू द प्रोफेशन जो थ्रेशहोल्ड है वो बहुत लो है. सो मोस्टली व्हाट आई सी इज एनीबडी हु डज नॉट गेट एनीवेयर इन एनी अदर प्रोफेशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मे बी कंप्यूटर साइंस वुड बी हिज फर्स्ट गो टू एरियाज, जो नहीं जा सकता वो लॉ में आता है. व्हाइल व्हेन यू सी इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड, द टॉप, द क्रीम गोज इन टू लॉ. So that is why is ये भी एक हमारा जो profession थोड़ा सा दिन ब दिन नीचे जा रहा है, उसकी reason ये है कि उतने अच्छे लोग भी इस तरफ नहीं आ रहे. But people who have come into this profession and who worked hard and who've earned burned midnight oil, because एक आपने चीज समझनी है ना, सबसे मुश्किल जो time होता है ना जी, वो पहले 3 साल है. Why? आपको पैसे बहुत थोड़े मिल रहे हैं, काम आपको 9 से 5 की नौकरी है ही नहीं वकालत, वकालत में तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है. एंड इफ यू आर नॉट देयर विद द पर्सपेक्टिव कि आई एम लर्निंग समथिंग, तो फिर तो यू विल बी डिसहार्टेंड एंड यू विल लीव द प्रोफेशन. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यंग लॉयर्स लीव द प्रोफेशन बिकॉज वो समझते हैं कि शायद यही हमारी सारी जिंदगी है, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. मैंने ये देखा है प्रैक्टिकली कि अगर आपने 3 से 4 साल टिका के काम कर लिया, तो 4-year-old law associate who's worked real hard can make more money than his peers in other professions. For example, अगर कोई बैंक में है या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई कहीं मल्टीनेशनल में है, क्योंकि हमारे वकालत के अंदर तो sky is the limit. आपका अपने बिजनेस की तरह you can make a lot of money. There is no upper ceiling. So my advice to young guys who come in is कि initial 3 साल आपने disheart नहीं होना. इनिशियल 3 साल आपने ये ज़ेन बनाना है कि वी आर हियर टू लर्न. इनफैक्ट जिस तरह पैसे दे के आप
एलएलबी में आप कुछ सीखते हैं, आप डिग्री लेते हैं, चले इधर आपको पैसे देने नहीं पड़े, बट अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल गया है तो दैट इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। और अगर आपको अच्छा उस्ताद नहीं मिला, चाहे आपको पैसे जितने मर्जी मिल रहे हैं, यू विल नॉट गो फार इन द प्रोफेशन। सो दैट्स माय टेक ऑन इट, ऑन योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच सर हारिस। सो डियर व्यूअर्स, सर राणा सज्जाद हैज जॉइंड अस, हु इज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट सेंटर फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। ऑल्सो सर ताहिर चौधरी, हु इज एडवोकेट एट लाहौर हाई कोर्ट, हैज जॉइंड अस। Welcome, sir. So my same question is to sir Rana Sajjad. Sir, what do you think कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो law के students हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, law के इदारे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका हमारी society पे क्या impact आ रहा है कि हमारे पास क्या उतनी quality produce हो रही है future lawyers की? Thank you for the question. I think the answer is very obvious. At the risk of repeating what Haris has referred, I think some of you also would subscribe to. I think part of the problem is there isn't enough regulation of legal education in the first place, and then the legal profession as a second step. यहाँ पर बहुत सारे mushroom growth है law schools की. I mean, not to take a shot at anybody, but I think those law schools need to be regulated a bit more closely. Uski wajah ye hai ki certain standards hain, and you know, I think I agree with Haris when he said that you know, lawyers are the cream of the crop in the developed world at least. Unfortunately, it's quite the opposite in Pakistan. It's unfortunate, but I have to agree that whoever cannot do anything in a different line of work ends up being a lawyer. It is shameful, but unfortunately that is the bitter truth. So I think ye law schools ko regulate karna, of course ispe measures liye gaye hain, well meaning good faith efforts diye gaye hain, but I think they're not sufficient. Aur us bottom line ye hai ki law school like any other school end of the day is a business. I don't dispute that, there's nothing wrong with that, but I think the bottom line is if you are charging a certain fee, you have to provide a certain level of service, and the service is good quality education. अब गुड क्वालिटी एजुकेशन कैसे होती है? लॉ स्कूल में अच्छे स्टूडेंट्स जा सकते हैं, बट यू कैन नॉट हैव अ गुड लॉ स्कूल अनलेस अंटिल यू हैव अ गुड फैकल्टी। और अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा नहीं ख्याल हमारी फैकल्टी हैज दैट स्टैंडर्ड। आई मीन नॉट टू जनरलाइज, बट आई थिंक देयर आर सर्टेन केसेस इन व्हिच फैकल्टी मेंबर्स जस्ट हैपन टू बी पीपल हु आदर डोंट हैव अ वेरी गुड थ्राइविंग प्रैक्टिस, or they just like to teach and they're fairly young as well. Again, I mean, I think it's not just the local graduates, there are a lot of foreign graduates as well who end up teaching and they're not very good teachers. Because I think teaching itself is a different set of skills. Just because you went to a great law school, just because you're a great lawyer does not necessarily mean that you can be a good teacher as well. Bahar ki humne baat ki, there are a lot of people who are actually trained to be teachers as well. So my point is, even the faculty members, they need to have a certain set of skills for which they need to be trained before they start teaching. Just because you have a good degree doesn't make you a good teacher. So anyway, not to complicate matters, what I'm trying to say is ki, unless and until you have good faculty, you will not have good law schools. And if you don't have good law schools, you won't produce good law graduates. And then of course, it's a vicious circle. Achhe law graduates nahi aayenge, you won't have good lawyers. And then unhi mein se aapke judges bhi bante hain. So you have to strike at the very root of the problem where the foundation is laid, which is the law schools. You can have hundreds more, you know, law schools, but as long as they comply with certain standards, I think that's okay. But unfortunately, that is not the case. Yes, sir, I totally agree with you. Also, I would like to add a point to this, that we see that the teachers who are teaching law usually are not doing practice. So there's a gap between it and students. They get command over the theoretical work, but they do lack the communication skills, and they do not know how to communicate in the court and how to do the practice. So my next question is to Sir Mia Ali Ishfaq. Sir, our students can be seen that they are disappointed by the system, our education system, and we can see a frustration in them. We can see some extremism in them. लेकिन जब हम बात लॉ के स्टूडेंट्स की करते हैं तो जनरली इसको देखा जाए तो ये जो एरोगेंस,
थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म ये बढ़ा हुआ दिखाई देता है. आई हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम माई फेलोज जो कि काला कोट टाइप हमें कोई पूछने वाला कौन है, लॉ में आपका एडमिशन हुआ है, यू हैव टू एक्ट लाइक एन एडवोकेट फॉर ह्यूमन राइट्स, और आप थोड़ी सी इस तरह की एरोगेंस की तरफ जा रहे हैं. तो ये एक डिस्ट्रैक्शन लगती है आपको अपने करियर को आगे एज अ लॉयर एज एन एडवोकेट लेके जाने में, कि आप एक चीज को एड्रेस करने के बजाय खुद एक एरोगेंट बिहेवियर अपना रहे हैं. सो हाउ डू यू सी दिस? Thank you. I think much have been highlighted in different aspects by both Arish and Sajad, but I would just like to add a little more into that. Aapne ye dekha ki there was a time when you know, anybody, a young person wanted to become a lawyer. When I say a lawyer, that actually means a lawyer itself. Ki ji mera bahut bada career hoga, I'll be a career lawyer, I'll be a professional, I'll be known to be a lawyer. But now it's a little different approach that we see around in our young generation. Particularly, I'm sorry, but that is the sad state of affairs. Aap agar dekhen, I mostly practice on the criminal side of the area. When I see all the renowned criminal, known families across Pakistan, say in Lahore, Islamabad, Rawalpindi, and Karachi, you see every family has now asked their either sons, one or two or more than family members, ke di aap lawyer ban jaye. You see, I mean, you have to see the intention behind that. Why do exactly they want them to be the lawyers? Now, when we see those people becoming lawyers, you know, jinki families ka unfortunately background jonsa hai wo bahut zyada criminal side pe jonsa hai wo they are history cheaters, they are habitual offenders. Either some of them are politicians, either some of them are known criminals of the society. Unki jab intention hai, jab wo lawyer bante hain, they have different priorities. All they want is to wear this kala coat. You see what their mentality and their thinking is. Kala coat pehen lenge to police hame naake par nahi rokegi. Kala coat pehen lenge to traffic police wala hamara chalan nahi karega. Kala coat pehen lenge to agar kal ko hamare ghar mein kisi police ne based on new, crime, koi raid karni hogi to wo nahi karenge. Kala coat pehenenge to hum courts mein jayenge, we'll be bringing our lot of colleagues. They'll be, creating the pressure on the judges. We will be, taking on the police or the other law enforcement. So, ye ab jo unfortunately is tarah ke background se log aa rahe hain, they don't have the intention to become a lawyer like Haris or Sajad. I mean, they have a different, intentions in this profession. And that we have seen, it is happening so quickly. It is developing so much in last 10 to 15 years that I'm sorry, this was never been a case. I mean, we all are practicing for the last 10-15 years, but hamare jitne seniors the aur unke jo super seniors the, I mean, it was almost not the case in those times, in old times, but unfortunately this has now developed very rapidly across the country. Aur uski hi wajah se aapne phir dekha ke hamare jo ye election culture jonsa hai wo bhi, it is not the way it was 20 years back, maybe 30 years back, maybe 40 years back. It is now changed. It has added so much, commercial, approach into it. कि उसके लिए भी आपने देखा कि हम बिल्कुल अपनी जो basic ethics हैं और जो professional approach है उससे हट गए. So these are the combining factors that those who are becoming, lawyers, and then, other aspects have been discussed by both Sajad and Haris. कि जी आपके law schools बहुत ज़्यादा हो गए हैं. Quality जो है वो कोई नहीं है. It's just now a law graduate factory, don't see it. It's that kind of a scenario that has been developed. Itni tezi se don't see wo chal rahe hain. Then you see ke aapke jo hamare local bar council ke exams hote hain 100 marks ka. Then we see, our interview pattern. I mean, I have hardly come across ke kabhi kisi bache ka jo hamare paas associate kaam karte hain, hamara apna bhi jo sa hai, when we appeared, for the interview purposes in the Punjab Bar Council, those who were interviewing us did not particularly put us, the academic questions. They did not even ask the practical question about our profession. Ke ji last 6 months mein aapne pupilage kiya hai kisi senior ke saath, aapne kya padha, aapne PPC mein kya padha, aapne CRPC mein kya padha, aapne CPC mein kya padha, what you have, what did you do in last 6 months in the courts, court mein kya jo sa kis kis courts mein gaye, aapne kis kis tarah ki litigation kiya hai, aapne kis kis tarah ke cases contest kiya hai, what you have earned in last 6 months. तो ये वो थ्रेश होल्ड है, ये वो स्क्रूटनी है विच इज टोटली मिसिंग. अब तो ये है कि बार काउंसिल में किसी को लाइसेंस चाहिए,
सो पीपल विल से कि जी वो जी फलां के लिए मैंने 6 महीने कैंपेन की है, सर को कह दूंगा ले जाएंगे, मेरा लाइसेंस जो सा वो हो जाएगा जी, मेरे वो फलां मामू है जी उनको कह दूंगा, उनके एक वकील साहब जानने वाले हैं, वो किसी को जो सा तरला या मिन्नत कर लेंगे इन दी वार काउंसिल्स. सो दिस काइंड ऑफ अ ट्रेंड दैट वी हैव सीन इन लास्ट 15 years, 20 years दैट हैव एडेड सो मच इन ऑल यू नो लाइक दिस डिटीरिएटिंग पार्ट ऑफ आर ब्यूटिफुल प्रोफेशन. So all over, you know, all the other factors combining with these factors, jo sa hai, these are contributing ke hamare jo law graduates hain, fresh law graduates, unki priorities jo hai, wo change hoti ja rahi hai, aur wo compromise hoti ja rahi hai. Aur plus jo sa, wo yehi hai ke yahan pe there is a great, you know, requirement of a training school. जो हमारे लॉ स्कूल्स हैं इनके इनके या तो यही जो है वो अपनी ब्रांचेस को जो है वो एक्सटेंड करें और ये ट्रेनिंग जो है मैंडेटरी करें ड्यूरिंग दी लॉ ग्रेजुएशन पीरियड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड इवन आफ्टरवर्ड्स जो है आई थिंक आफ्टर द डिग्री जो है दे शुड ऑल्सो यू नो स्टार्ट दी प्रोग्राम्स फॉर 3 months, 6 months शॉर्ट प्रोग्राम्स जो है वो कर लें अदर देन यू नो लाइक द लॉयर्स हु आर फ्रेश ग्रेजुएट्स जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे तो जितने यहाँ पे 10 साल 15 साल 20 साल पुराने प्रैक्टिशनर लॉयर है उनको भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है. आई मीन यू गो टू द कोर्ट्स यू सी आई मीन द मोमेंट यू आर अपेयरिंग बिफोर अ कोर्ट जो है आज तक 10-10 साल में 5-5 साल में लॉयर्स को तो बेसिक पहली चीज का नहीं पता कि जी फाइन रिप्रेजेंटिंग यू नो द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट मैंने खड़े किस साइड पे होना है, मेरे लेफ्ट साइड पे खड़े होना है, मेरे राइट साइड पे खड़े होना है. सो ये तो हमारी ट्रेनिंग है एंड देन वी जस्ट डू नॉट इवन नो. आप अगर नीचे देखें हमारी लोअर कोर्ट्स में so it has deteriorated so much at the level of district courts, at the level of civil courts and in fact sessions court and other special courts ke hum judges ke samne jaake jo sir wo apna brief prepare karke hi nahi jate. We stand before the court and say janab aap meharbani kar de judge sahab aapko to pata hi hai kya karna hai. I mean we do not even know what to say, what not to say, how to start, what is going to be my first sentence, How am I going to develop my case argument after argument jo hai. To ye sari cheeze jo si hai this cannot only be learned while you are you know practicing law. Ye aapko kisi ne basic education jo hai wo de ke bhejni hai and I personally feel like this cannot happen unless you make certain training schools. ट्रेनिंग स्कूल में आप बच्चों को जो सा है वो मॉक ट्रायल जो सा है वो करवाते हैं, उन्हें बताएं कि भाई आप एक एक घंटा जो सा है वो खड़े हो, आपको एक दिन दिया जाएगा अपना ब्रीफ प्रिपेयर करके आए, आई मीन पूरा केस जो है वो कोर्ट के सामने प्लीड करें और मुकम्मल तौर पर जो है उनको वहीं पे करेक्ट करें, उनकी वहीं पे जो है ट्रेनिंग करें कि क्या कहना है, कब कहना है, क्यों कहना है, क्यों नहीं कहना, एंड ऑल सच थिंग्स. सो आई मीन माई 1 ounce टेक ऑन दिस एंटायर सिनेरियो इज कि हमें ट्रेनिंग स्कूल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें थ्रेश होल्ड जो सा है उसको एक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे जो सा है वो सेटल करना है. अब जो नए लॉ ग्रेजुएट्स आ रहे हैं आई मीन राइटली कोटेड कि जी जिसका जिसको कोई और प्रोफेशन नहीं मिलता, जिसको कुछ और नजर नहीं आता. चले मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं, आपने जो टॉपिक रखा हुआ है ये फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स का है, तो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स से जनरली जो सा है व्हाट यू परसीव इज कि जी आप यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं. आई एम सॉरी हमारा तो यहाँ पे हुलिया बिगड़ गया है. आई मीन अ पर्सन हु इज 40, 50, 60 years old, 65 years old इज ऑल्सो यू नो लाइक अ फ्रेश ग्रेजुएट, उसके लिए क्या करेंगे. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको अपने यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल्स आपने लाजमी तौर पर बनाने हैं जिसमें फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू नो योर एज इज वो पहले अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लें. और प्लस ये है कि अदालतों में भी कोई ऐसा क्राइटेरिया जो है वो एटलीस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ द जज जरूर होना चाहिए कि जहां पे पता लग सके जज साहब को कि मेरे सामने जो फाजिल वकला साहिबान है उनकी प्रैक्टिस कितनी हो चुकी है, ताकि कोर्ट भी जो है वो उसको ऑनरेबल तरीके से जो है वो ट्रीट करे और उनको भी कुछ ना कुछ तरीके से सिखाने की कोशिश करे. लेकिन यहाँ पे जो सा है अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो कल्चर है वो बाहर पॉलिटिक्स ने भी जो सा है वो यंग जनरेशन के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि अब हमारे पास स्पेस मजीद कम हो गया है. सो ट्रेनिंग स्कूल हमारे कोई नहीं है, सफोकेशन जो सा बढ़ गई है, प्रायोरिटीज हमारी चेंज हो रही है. आई बिलीव यू नो लाइक वी आर लूजिंग द होप इन दिस प्रेजेंट एग्जिस्टिंग professional bar educational system as well as training system as well as you know practice system jo sa hai isme badi urgent emergency basis pe jo sa hai wo drastic measures or steps lene ki zarurat hai. Otherwise I believe you know the way we are seeing the lawyers behaving in the court every day I repeat I mean this is bringing a lot of shame to the entire profession and I mean this should be taken care of as soon as possible. So this is my take on this.
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे यहाँ पे बात की. और अब मेरा अगला सवाल है मैम वाइजा रफीक से. मैम, वी सी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आर एजुकेशन सिस्टम, आर ओवरऑल सिस्टम, आर गवर्नमेंट, कि इस वजह से हम ऐसे हैं और हमें वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती और सिस्टम ऐसा है तो हम ऐसे हैं. और सर की स्पीच में और हमारे बाकी गेस्ट की स्पीच में हमें ये वाला भी पॉइंट नज़र आया कि चले सिस्टम के तो जो एरर्स हैं वो हैं, लेकिन हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, बहुत सी उनकी गलती भी है कि वो अपने ऊपर उस तरह से काम नहीं करते, वो इतने क्लियर हेडेड नहीं होते जब वो अपने लिए कोई डायरेक्शन चूज करते हैं. तो आप क्या समझती हैं कि इस सिचुएशन में जब हमारा सिस्टम जो है वो इंडिविजुअल्स को ब्लेम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से एक बेहतर नतीजे की तरफ जा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी राय लेने के लिए और इस पर बात करने के लिए, आपने मुझे इस काबिल समझा. सो अ लॉट ऑफ इट हैज़ बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी और बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें अब से पहले उन पर बात हो चुकी है. ये एक विशेष सर्कल है जी. इसमें जो मुझे सबसे बड़ा कंसर्न नज़र आता है या मसला नज़र आता है वो ये है कि बहुत कम लोग हैं लीगल प्रोफेशन में जो बाय चॉइस आते हैं और बाय चॉइस इसको लेके इसको एज अ करियर परसू करना चाहते हैं. बैरिस्टर हारिस साहब ने भी ये बात की, इससे पहले और भी यहाँ पे जो हमारे लर्नर काउंसिल हैं सब ने ये बात की कि जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो फिर लॉ को चूज़ करते हैं. अब ऐसा क्यों है, रीज़न क्यों है कि लोग नहीं चाहते कि हम वकील बने या हमारी ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो? वो इसलिए क्योंकि मुआशरे में उसका एक इमेज अच्छा नहीं है. इमेज क्यों अच्छा नहीं है? इमेज यही जो तमाम चीज़ें हम अक्सर देखते हैं मीडिया पे भी और हमारे सामने है, बहुत सी चीज़ें अभी हाईलाइट भी की गई हैं. एक वो पॉलिटिकल कल्चर है, कुछ फिर बहुत एकेडमिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, प्रोफेशनलिज्म बहुत कम है, ये वो तमाम चीज़ें हैं. और फिर कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस भी जो हैं इनिशियल ईयर्स के, जिनको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए. इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग नहीं प्रेफर करते कि हम वकील बने. और वही शख्स, वही स्टूडेंट, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, वो चाहता है कि वो इस प्रोफेशन में आ जाए जिनके पास और कोई दूसरी बेहतर ऑप्शन जो है वो नहीं रहती. अब इसमें जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें अपनी डिग्रीज में लॉ स्कूल्स के लेवल पे करने की ज़रूरत है, वो ये कि एक तो आप देखें पूरी दुनिया में लॉ पर रिसर्च होती है. जितनी भी लॉ स्कूल्स हैं, अंडर ग्रेड डिग्रीज में भी, पोस्ट ग्रेड डिग्रीज में भी, वो लीगल रिसर्च करवाते हैं एज अ प्रॉपर मॉड्यूल, सेपरेट डिस्टिंक्ट मॉड्यूल वो करवाते हैं. हमारे यहाँ LLB में रिसर्च ही नहीं है, यानी हम लोगों को रिसर्च स्किल्स नहीं पढ़ाई जाती एज अ कंपल्सरी मॉड्यूल. हमें नहीं पता होता लीगल रिसर्च क्या है, कैसे करनी है, नहीं पता होता हमने जर्नल्स कैसे देखने हैं. उसकी वजह से फिर वो गैप आता है जो बैरिस्टर हारिस साहब ने कुछ देर पहले बात की थी कि एक एसोसिएट जो बिल्कुल जीरो पर आता है, उसको रिसर्च आपने ABC अब सिखानी है, उसको प्रैक्टिकल चीजें आपने अब सिखानी है, कुछ वो सीख के तो आया नहीं है, तो उसमें आप फिर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या वो क्या जस्टिफिकेशन बनती है कि फर्म उसको क्या दे रही है और वो फर्म को क्या दे रहा है? वो जो एक गैप है वो फिर यहाँ से इस्टेब्लिश होता है और क्रिएट होता है. दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देख लीजिए कि मेडिसिन की डिग्री है, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, बिजनेस के स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर वो इंटर्नशिप्स करते हैं. उनके कोर्सेज में ये लाजमी हिस्सा होता है कि आपने फलां जगह पे साल के इतने हिस्से में काम करना है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेना है, आके आपने अपने लॉ को, अपने स्कूल को, जो आपका अंडर ग्रेड स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, उसको रिपोर्ट करना है. आपने बताना है हमने फलां बैंक में इंटर्नशिप की, हमने फलाने कंपनी में इंटर्नशिप की, वहाँ पर हमने काम किया, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया. लॉ की डिग्री में ऐसा कुछ नहीं है. आपने एडमिशन ले लिया है, 3 साल बाद पहले होता था, अब 5 साल बाद है, आप पास आउट हो जाएंगे. और पास आउट होने के बाद आप लिटरली बस थोड़ा बहुत जो क्लासरूम इन्वायरमेंट से और जो आपकी जो एक प्रेजेंस है और टीचर के साथ इंटरेक्शन है, उसकी वजह से आप जो सीखेंगे या जो आप में बेहतरी या लर्निंग आएगी वही आएगी. उसके अलावा ना स्टूडेंट्स ने अपने तौर पे कोई रिसर्च करनी है, ना एकेडमिक कल्चर इतना रिगरस है, ना कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज पे बात होती है. तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि इतना गैप क्रिएट कर देती हैं कि जब वो लोग, वो ग्रेजुएट्स मार्केट में आते हैं तो जो हायरिंग टेबल पर बैठे होते हैं लोग, उनके फिर बड़े सीरियस कंसर्न्स होते हैं कि भाई इनको हम अगर नौकरियां दें फॉर एग्जांपल तो किस वजह से दें या ये हमें क्या देंगे, इट्स अ गिव एंड टेक. तो मेरा ख्याल है कि ये दो चीज़ें हैं, इन पे तो बहुत ज़्यादा हमें सबसे पहले
अर्जेंट बेसिस पे काम करने की जरूरत है कि एक तो लीगल रिसर्च को हिस्सा बनाएं अपने कोर्सेज का, दूसरा ये कि प्रोफेशनल आपकी जो इंटर्नशिप्स हैं, मूट्स हैं, अब मूट्स कुछ लॉ स्कूल्स में होते हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पे होते हैं, उनका आपकी डिग्री में कोई क्रेडिट आवर्स में कुछ शामिल नहीं होता ज्यादातर में, आप उनको क्रेडिट आवर्स में शामिल करें, उसकी इवेल्युएशन हो, उसकी मार्किंग हो, उसका मतलब स्टूडेंट्स पे एक बर्डन हो कि ये हमने करना है, ये डंडे के जोर पे चलने वाली कॉम है, ठीक है ना, आप इसको बताएंगे कि भाई पास फेल होना है, आपने ये लाजमी करना है तो फिर सीखेंगे, अदरवाइज तो वो एक जो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है उस मिनिमम थ्रेशोल्ड पे आप डिग्री करके पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद हम सब जानते हैं कि बार का जो एग्जाम है वो किस तरह होता है, फिर बार का जो लाइसेंस का होता है इंटरव्यू वो किस तरह होता है, तो हम सब को ये तो फिर हम वी आर ऑल वेल अवेयर कि ये सारी चीज़ें तो हमारे सामने हैं, तो द पॉइंट इज कि हमें डिग्री को जो लीगल एजुकेशन है उसको थोड़ा सा नहीं इनफैक्ट खासा रिगरस करने की ज़रूरत है ताकि हम वो जो एक गैप है उसको फिल कर सकें और जो मार्केट में रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम क्वालिटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर सकें। क्वांटिटी में तो बहुत लोग हो रहे हैं इन एनी केस, लोग बाय चॉइस आ रहे हैं या बाय चांस आ रहे हैं या जैसे भी आ रहे हैं, वकील तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन अब वो फिर हमारे सामने ही है जो सूरत हाल है, तो ये एक चीज़ है जिसको हमें देखना चाहिए ख़ास तौर पर। और स्पेसिफिकली प्रोफेशनलिज्म में एक चीज़ जिस पे मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगी, अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र हुआ था कि लॉयर्स को ये भी नहीं पता होता कि हमने राइट साइड पे खड़े होना है या लेफ्ट साइड पे खड़े होना है, बहुत से लॉयर्स को ये नहीं पता होता कि ख़वातीन जजेस हैं तो उनको एड्रेस किस तरह करना है, ख़वातीन लॉयर्स हैं तो हमने उनसे किस तरह बात करनी है। अभी वेमेन इन लॉ ने कुछ दिन पहले ही एक लिस्ट निकाली है जिसमें लिटरली बहुत बेसिक टर्म्स के खातून अगर वकील है तो आपने उसे कैसे बुलाना है, मैडम एडवोकेट या क्या, यानी बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जो कि एक लिस्ट शाये करके पब्लिकली बतानी पड़ी और निकालनी पड़ी, और वो मैं देख के मुझे बहुत एक तरह से मुझे अजीब भी लग रहा था कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हम अब सीख रहे हैं, यानी इतनी कमी है हमारे प्रोफेशन में इस चीज़ के ऊपर कि एक तो जेंडर सेंसिटाइजेशन भी बहुत कम है, तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग के जो हमें अपने प्रोफेशनल कॉन्डक्ट में और ट्रेनिंग में शामिल करनी चाहिए, तो ये है दैट आई वुड वॉन्ट टू से ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। मेरा अगला सवाल सर ताहिर चौधरी से है। सर जैसा कि मैम वाइजा रफीक ने हाईलाइट किया है हमारे सिस्टम के कुछ एरर्स को, फिर हमारे यंगस्टर्स को जो इमेज है लो फील्ड को लेके लोगों के दरमियान में, और जिसकी बेसिस पे हमारे बहुत से लॉयर्स तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन क्वालिटी के लॉयर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया अपने बाकी गेस्ट्स के साथ कि किस तरह से एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी के अंदर, और उसमें लॉ के स्टूडेंट्स भी बहुत पेश हैं, वो काले कोट की एरोगेंस है, तो इससे हमारा जो फ्यूचर है हमारे पाकिस्तान में लॉ की फील्ड का फ्यूचर वो एक बड़े लेवल पे हमें तबाह होता दिखाई देता है, तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? Sir, could you please unmute yourself? You are not audible. Ji, is it okay now? Yes, sir, it's best. Sorry for inconvenience. अच्छा पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। ये जो सेशन है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मैं बहुत ज़्यादा सीखने को मिला अभी तक जो मेरे लर्नर फेलोज ने जो बात की वो डेफिनेटली जो पॉइंट्स हैं जो डिस्कशंस हैं ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। हमें बताया जाता था और हम पढ़ते हैं कि नई दुनिया का, इसमें आप अपनी रोजी रोटी तो कमाते ही हैं, इसमें आप एक रिप्यूट एक इज्जत भी कमाते हैं, आप जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं और आप मजलूम का साथ दे रहे होते हैं, तो आप किसी ना किसी तरीके से मुआशरे, लेकिन जब हम फील्ड में आए हमने जो प्रैक्टिस चल रही है जब वो चीज़ें देखी तो हमें बिल्कुल उससे मुख्तलिफ माहौल मिला। अब एक जो थोड़ा सा जो महदूद सा तजुर्बा है, एक सबसे पहले जो मियाँ साहब ने जो बात की कि ये जो बार पॉलिटिक्स है इसने बहुत ज़्यादा खराब किया हमारे माहौल को। मेरे सामने हम पिछले दिनों हम बात कर रहे थे
कि सुबह सुबह आते हैं आप कोर्ट में पेश होने के लिए, सेशंस कोर्ट में या सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में, आप देखते हैं कि जो यंग लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो हाथों में कार्ड्स पकड़कर वो लाइनें बनाकर खड़े हुए हैं वोट मांगने के लिए। अच्छा भाई, सुबह का टाइम जो है वो काम का टाइम है, पहले काम कर लें, कम अज कम 12-1 बजे तक, जब तक ब्रेक नहीं होती कोर्ट्स में जाएं, आपके पास कोई केस नहीं भी है तब भी जाके आप किसी कोर्ट में बैठें, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं, बहस हो रही होती है, लॉ प्रेजेंट किए जा रहे होते हैं, केस लॉज प्रेजेंट किए जा रहे होते हैं, जो अच्छे लॉयर्स हैं, जो अच्छे नाम हैं, वो किस तरह कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं, वो किस तरह आर्ग्यू कर रहे हैं अपने केस को। मैं कहता हूं नहीं, काम शुरू में आपको वाकई में मुश्किल होती है 1-2-3 साल, लेकिन ये शुरू के जो 2-3 साल हैं यही 3 साल आपने सीखना है, काम नहीं है आप कोर्ट में जाके बैठे। अच्छा, इसमें एक मसला ये भी है, हमारे हम किसी सीनियर को ज्वाइन करते हैं तो सीनियर को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारा दिन उसके ऑफिस में बैठे रहे, बाहर सीनियर जो है वो बात ही नहीं कर रहे, आपको कोई केस कोई ड्राफ्ट कोई करना है या I think sir is having some connectivity issue. So my co-moderator Arit Suhail Bhutta has some interesting questions for all of our guests. So thank you, Mukaddas. Assalamu alaikum to all the guests. My question, first question is particularly from ma'am Vaisa. Sara din chamber mein itna nukal baat search karna specific apni case ki taiyari kar rahe hote hain. सॉरी सर, अभी कनेक्टिविटी का कुछ इशू आ रहा है। सो माय क्वेश्चन इज फॉर मैम वाइजर पर्टिकुलरली कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू वुमेन फेस इन द मेल डोमिनेटेड लीगल फील्ड इन पाकिस्तान, लेट इट बी जेंडर वेज गैप और हरासमेंट दैट वुमेन फेस इन आवर कोर्ट्स और इवन इन द लीगल फ्रंट। आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस and whether would you would encourage young girls watching this to pursue law in Pakistan? Sabse aakhri cheez ko main sabse pehle kahungi, I would highly encourage girls to come into legal profession, aur legal profession mein aake bhi in house counseling na kare, kuch na kare, litigation kare, adalaton mein aaye, argue kare, cases kare aur enjoy kare, sabse pehle to ye। बाकी आपने जो प्रॉब्लम्स की बात की, मेरा ख्याल है जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो हम एक बहुत लिमिटेड वर्ड्स में सम अप कर सकते हैं वो है लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आपको कम प्रोफेशनल समझा जाता है, यू आर कंसिडर्ड अ लेसर लॉयर, अ लेसर प्रोफेशनल, कि अगर एक केस है फॉर एग्जांपल और उसमें क्लाइंट ने के पास चॉइस है कि उसने एक मेल वकील करना है और एक तरफ जो है वो खातून वकील हैं, और कोई ऐसी नेचर का केस है, क्रिमिनल नेचर का केस है फॉर एग्जांपल, तो वो हमेशा प्रेफर करेगा कि मेल वकील को मैं प्रेफरेंस दूं और मैं उनसे केस करवा लूं। खातून है, बीबी पता नहीं की करेगी अदालत में जाके, पता नहीं की होएगा, पता नहीं क्या ये वो, तो इस किस्म का एक वो है, लेकिन आई थिंक वो सोशल है, उसको आप प्रोफेशन के साथ इस तरह से एसोसिएट ना करें। बहुत से लोग, बहुत सी लड़कियां डिस्करेज हो जाती हैं और उनको लेट डाउन भी किया जाता है इस वजह से कि जी मेल डोमिनेटेड है। अब है तो सही मेल डोमिनेटेड, लेकिन क्या करें, अब है, मेल्स आते रहे हैं ओवर द ईयर्स, ज्यादा मर्द हैं जो वकील बनते रहे हैं, औरतें नहीं बनती रही, तो उसका हल यही है कि औरतें बनना शुरू करें, आए, फीमेल डोमिनेटेड हो जाएगा या एटलीस्ट जेंडर बैलेंस्ड हो जाएगा और कुछ नहीं, तो ये आप करें बिल्कुल। बाकी ये मुआशरे का मसला है, अगर आप मेडिसिन में भी देखें तो वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है टेक्स्ट बुक्स में, कि आप जब एक न्यूरोसर्जन का सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये जाता है कि न्यूरोसर्जन है तो वो कोई मेल होगा, बंदा होगा, तो वो खातून न्यूरोसर्जन नहीं हो सकती, या कोई इस किस्म का काम जिसमें लेस ज़्यादा जो है वो एक पावर या एक स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस ये चीज रिक्वायर्ड होती है, उसको मुआशरा हमारा जो है वो जनरली ये समझता है कि ये मर्दों का काम है, तो वो जो कन्वेंशनल जेंडर रोल्स हैं, मैनली वुमनली वर्क्स हैं, वो एक सोच है जो चली आ रही है, जिसकी वजह से
ऐसा है कि हमारे प्रोफेशन में एक तो फैक्चुअली मर्द हैं भी ज़्यादा, और कुछ इस किस्म के मसाइल भी हैं कि जिसमें औरतों को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग देयर स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग देयर प्रैक्टिस, अपनी एक्सपर्टीज को मनवाने में। मेरी बहुत अच्छी एक खातून वकील हैं, दोस्त हैं, वो बता रही थी कि एक बड़े बहुत बड़े गवर्नमेंट अदारे का एक केस था, तो उसमें क्लाइंट ने ये प्रेफर किया कि हमारी फार्म है, फार्म को हेड मैं करती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मेल एसोसिएट आप दे दें तो हम उसको कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसको हम ही ने चेंज करना है, और हम जैसे ही लोगों ने आके इसको बदलना है। एंड आई एम ग्लैड कि बहुत से मेल कॉलीग्स हैं अब जो इनक्रेज करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। तो जो औरतें सर्वाइव कर रही हैं वो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से कर रही हैं कि देर इज़ अ सर्टन परसेंटेज ऑफ मेन ऑल्सो जो सेंसिटिव हैं इस पे, और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने इस प्रोफेशन को कंड्यूसिव बनाना है। और मेरा हमेशा ये एक स्टांस भी होता है कि प्रोफेशन को कंड्यूसिव बनाने के लिए औरतों से ज़्यादा मर्दों पर काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज डोमिनेंस क्योंकि उनकी है, मेजॉरिटी में क्योंकि वो हैं, तो बदलाव ज्यादा लाने के लिए जो स्टेक्स हैं वो मर्दों के हैं। एंड आई एम ग्लैड दैट यू नो वी हैव रियली गुड कॉलीग्स एज वेल, लेकिन उस सब के बावजूद चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर भी। अब जैसे डे केयर सेंटर्स नहीं हैं, औरतों को बहुत ज़्यादा काम करने में फ्लेक्सिबिलिटी जो एक चाहिए होती है वो नहीं होती। फिर वेजेस का भी मसला होता है, वेजेस का तो खैर एक अक्रॉस द बोर्ड ही मसला है कि शुरू में आपकी अर्निंग को लेके तो खैर बहुत सीरियस कंसर्न्स होते हैं, बट उसमें भी अगर आप खातून हैं तो आपको जो है कम ट्रस्ट किया जाएगा। आपने अगर आपके साथ आपने इंटर्नशिप शुरू की है, आपके साथ आप ही के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का या एक फ्रेश ग्रेजुएट इंटर्नी है जो मेल है, तो जो आपके सीनियर्स हैं वो ज़्यादा मेल को कह देंगे कि जाके सिविल कोर्ट के काम देख लो, ज़रा ये देख लो पेशियाँ, जो लड़की है उसको बैठा देंगे कि तुम रिसर्च कर लो। तो ये एक माइंडसेट है मेरा ख्याल है जो दोनों साइड्स ऑफ द टेबल पर जो लोग बैठे हैं उनको जरा इस पे सोचने की और थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, और इस मतलब इश्यूज होने के बावजूद भी आई वुड हाईली इनकरेज वेमेन पर्टिकुलरली कि वो आएं और वकालत करें और एक्टिव लिटिगेशन में हिस्सा लें, ताकि ये जो डोमिनेंस वाला मसला है इसको तो कम करें ना। अभी भी देखें यहाँ पे खवातीन इस पैनल में कम है, तो ये चीज मुझे अभी भी तंग कर रही है। थैंक यू सो मच मैम, लॉयर्स लाइक यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर लॉ स्टूडेंट्स लाइक मी, सो थैंक यू इस इंस्पिरेशन के लिए। सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, के हमें देखा जाता है कि जो आप यंग लॉयर्स आते हैं, मेरा वो डिस बराबर हो जाए, तीन तीन बराबर। जी सर, मैंने कहा मेरी तरफ से जो नेटवर्क का इशू आ रहा है शायद इसी वजह से आ रहा है कि ये तीन तीन बराबर हो जाए, ये जो डोमिनेंस वाली जो बात है ये इक्वल हो जाए यहाँ पे। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, थैंक यू। तो मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि यंग लॉयर्स को सबसे पहले अनपेड इंटर्नशिप करनी पड़ती है, सो डोंट यू थिंक दिस इज एन टैलेंट को हम खराब कर रहे हैं कि हम उनको अनपेड, उनका जो काम है हम उसके लिए उनको पैसे नहीं दे रहे या बहुत कम पैसे दे रहे हैं। और एक ये मसला है, और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ नेपोटिज्म। हम नेपोटिज्म को देखते हैं बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ, तो नेपोटिज्म लॉ फील्ड में, लीगल फील्ड में किस हद तक प्रॉब्लमेटिक है, और क्या ये टैलेंटेड लॉयर्स को आगे आने से रोकता है नेपोटिज्म एंड अनपेड इंटर्नशिप। सो आई विल स्टार्ट विद बैरिस्टर हारिस। But before that, my vote is also in favor of Madam Vaiza. So the women now outnumber the men, maybe. And I think Sajjad Saab and Mia Saab will also not disagree. So, and people like Madam Vaiza are an inspiration, not for men, women, but also men as well. And ek baat inhone bahut interesting ki, ki women should not only be in-house, they should be out there fighting the battles in civil court, in sessions court, in high court. Or personally speaking, we are a gender neutral firm. So udhar maine dekha hai ki the women in our firm have done better in litigation than men. So it's about getting an opportunity
एट टाइम्स वो खवातीन आकर हमें बताती हैं कि यू नो इट्स डिफिकल्ट बीइंग द ओनली पर्सन एट टाइम्स इन अ 100 प्लस रूम विद अ मैन जज, लेकिन वो खातून अकेली वहां बैठी होती है, यू आर द ऑड वन आउट. But one, it's very, very difficult. But persistence, अगर होगी और मैडम वाइजा टाइप लोग आएंगे, who will break the glass ceiling, तो you know the profession can go along. अभी आप देखें हाई कोर्ट में out of 40 इस वक्त 2 female judges हैं. So young खवातीन के लिए it's also a great opportunity, because जब आपने judges लगाने होते हैं तो हर तरह की कोटा होता है. इट्स एन अनरिटन कोटा कि खवातीन भी रखें, लाहौर के बाहर के वकील भी होने चाहिए, इतने क्रिमिनल इतने सिविल होने चाहिए, तो खवातीन मिलती नहीं है. कुछ मैंने भी देखा है कि इस अवेलेबल कम होती हैं, तो अगर और खवातीन आएंगी बिटवीन 45 to 55 अवेलेबल होंगी, तो वी विल हैव मोर वुमेन जजेस. एंड द वुमेन जजेस दैट वी हैव इन द हाई कोर्ट आर वन ऑफ द बेस्ट एंड इफ नॉट द बेस्ट. And so they are also an inspiration for us. तो एक तो बात ये हो गई, लेकिन it's a difficult profession for both men and women to begin with. A little harder for women, naturally, because हमारा mindset ही ये है कि maybe मर्द को केस देंगे तो शायद बेहतर वो handle कर सकेगा, औरत शायद नहीं कर सकेगी. But that impression may change over a period of time. जहाँ तक मैडम आपने दूसरा सवाल पूछा यार, वो एज रिगार्डिंग अनपेड इंटर्नशिप, इसके अंदर जी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है माइंड फ्रेम. वो ये है कि अगर आप इस नियत से आ रहे हैं, इन आर फिल्म जनरली आई विल जस्ट सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, देयर इज नो अनपेड इंटर्नशिप, एवरीबॉडी इज पेड. Maybe not that well, but to begin with, you are paid. You get a certain basic minimum wage. So, हम पूरी करते हैं. But the fact is कि आपने एक mind frame से आना है. वो mind frame क्या है कि क्या मैं काम सीखने आ रहा हूँ? क्या मैंने मेरी ज़िंदगी का aim है कि मैंने 10 लाख रुपया महीना कमाना है या मैंने 50,000 रुपया महीना कमाना है? So, अगर तो आपका एम ये है कि मैं 50,000 कमाऊं, 10% मेरी जिंदगी इनकम बढ़ती रहे, मैं लाख रुपए पे जाके रुक जाऊं, तो मे बी फिर आपको इन हाउस जाना चाहिए, वहां पर आपको इमीडिएटली इतने पैसे मिल जाएंगे. लेकिन अगर आपका जिंदगी का एम है कि मैंने 1 करोड़ रुपया महीने का कमाना है या मैंने 10 करोड़ रुपया महीने का कमाना है, तो देन पहले 2-3 साल आपको अगर कोई पैसे नहीं भी मिल रहे तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. So if you play the long game, आप successful होंगे. But अगर आप short term aim सोचेंगे, having said that, I would want everybody to be paid. और एक दूसरी बात, nepotism हमारे profession में, हर profession में होता है, लेकिन हमारे profession में, maybe a lot of people will disagree with me, बहुत कम है. Reason being कि आप अगर talented है ना, तो आप यू कैन एक्सेल इन दिस प्रोफेशन, वेदर आपके वालिद साहब जज हैं नहीं हैं. बिकॉज आपका भाई भी आपको एक दफा ही ट्राई करेगा, अगली दफा वो आपको केस नहीं देगा इफ यू नॉट टैलेंटेड. सो टैलेंट इवेंचुअली विल प्रिवेल. यस, इनिशियली इट विल बी डिफिकल्ट. अगर आप किसी सीनियर वकील के बेटे हैं या सीनियर वकील वालिद साहब आपके जज हैं, या टू मेक थिंग्स इवन बेटर आपके ससुर जी जज हैं, ऑफकोर्स यू गेट एन एज. But somebody like us or somebody like me was a first generation lawyer, we have done reasonably well in the profession because talent eventually will prevail. Aur hamare profession mein hota, you are not allowed to advertise. Advertisement ban hai hamari Bar Council Act ke andar. Hamari advertisement hamare clients hai. So once you do a case well, jis tarah Mia sahab baithe mein hai, Mia sahab ki reputation precedes him. मुझे कराची से भी मेरे क्लाइंट कह रहे थे कि जी एक लाहौर के वकील है, नैब का मामला है, वो हमने मियां अशफाक साहब को इंगेज करना, आप जानते हैं उन्हें? मैं कहा जी जानता हूं, लेकिन डिस्काउंट ही लेकर दे सकता. तो उन्होंने कहा अच्छा फिर हमको और बंदा ढूंढ लेते हैं. सो दैट्स व्हाट हैपेंस के मियां साहब मुझे पता है रेगुलरली कराची जाते हैं, क्लाइंट ने मेरे बताया आके, क्योंकि वो वकील 50,000 रुपया पर हियरिंग खर्चता है इनके ऊपर क्लाइंट, बिकॉज रेपुटेशन है, बिकॉज काम चाहिए उसको, अपनी रिलीफ चाहिए. So initially, अगर हम इतना disappoint ना हो and in the long 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 game खेलें, तो inshallah this is an amazing profession.
थैंक यू, थैंक यू सो मच सर. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम कम है और आई वांटेड टू एंगेज ऑल द गेस्ट इक्वली, खास करके सर साहिर, उनका कनेक्टिविटी का इशू है, उनके साथ हम बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं कर सके. सो आई हैंड ओवर दिस टू मुकद्दर जो क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे. थैंक यू. Thank you so much, Arij, and thank you so much, Sir Haris, for highlighting such an important points. मेरा अगला सवाल सर राणा सज्जाद के साथ है कि सर आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती क्या है हमारे यंग लॉयर्स की जो अभी वो कर रहे हैं इस स्टेज पे एंड दैट इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड. आप अपने एक्सपीरियंस की लाइफ में क्या समझते हैं? So thank you. So I'll be very upfront here. So the topic is this event ka webinar ka hai, career paths for fresh law graduates. Unfortunately, I don't think we've heard much on that particular topic. And unfortunately, humne kafi bashing ki hai, which is all true, which is all well meaning. But I think bottom line is, I think we should close this on a high, on a positive note. So if I yes, can take the liberty, I have some positive conclusion as well. Are you a senior person? I just wanted to know your perspective in the light of your experience. That how do you see? No. So I get it. So the reason I preface kiya apna answer because I'm going to tie in my answer with your question and the topic. अच्छा सो मैं आपको अपनी स्टोरी बताया तो my father, he's passed away, but अलहमदुलिल्लाह he was one of the top lawyers in Pakistan Law Minister Darana Azazun का नाम था. He was a criminal slash constitutional lawyer. ठीक है, I am not a criminal lawyer. I'm not a constitutional lawyer. मैं commercial arbitration lawyer हूँ. So जो आप nepotism की बात कर रहे हैं, so ये everybody has to face that. ठीक है ना, मेरे father criminal lawyer थे, मैंने criminal का काम थोड़ा सा किया, but eventually you know अपनी मेहनत से, जिस तरह भी अपना एक passion था, एक certain type of काम करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह figured out a way. तो इसमें आपके फादर जज हों, सुसर जज हों, फादर लॉयर हों, फ्रेंकली डोंट गिव दैट टू मच थॉट, टू मच वेट. आपके अंदर ड्राइव जो है ना, आई थिंक जो आपने क्वेश्चन में से किया ना कि क्या कहाँ वो गलत जाते हैं, आई थिंक इट्स व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट मोटिवेट्स यू. आप प्रोफेशन में आए क्यों है, ठीक है ना. आप पैसे की बात हो रही है, पैसा ठीक है, उनके जो आते हैं वो कहते हैं पैसा पैसा, बट बॉटम लाइन इज एट सम पॉइंट यू नो यू हैव टू रियलाइज कि यू नो यू डोंट जस्ट गो आफ्टर मनी ऑल द टाइम. एंड ऑफ द डे इस प्रोफेशन में, you know, it's a noble profession for a reason. ठीक है ना, यू फाइट फॉर जस्टिस. ठीक है, ये सारी क्लीशेड बातें लगती हैं, बट यू डू फाइट फॉर जस्टिस. इवन फॉर बिग कॉर्पोरेशन यू आर फाइटिंग फॉर जस्टिस. सो एट इट्स हार्ट, अगर आप देखें और वो चीज हमेशा जहन में रखें कि यार व्हाट इज द हायर पर्पज हियर. हायर पर्पज ये है कि मेरा जो भी क्लाइंट है, उसका छोटा केस है, बड़ा केस है, मेरी एक ड्यूटी है, एक एथिकल ड्यूटी है. ठीक है, आई हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू रिप्रेजेंट माय क्लाइंट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, बट आई आल्सो हैव एथिकल ड्यूटीज प्रोफेशनल. ठीक है, आई कांट लाई to the court, I can't lie to my client, I can't lie to the opposing counsel. Like basic ethics. Yahan par log jaate hain, you know, they always look for shortcuts. Or everybody says there are no shortcuts to success. ठीक है? और again, एक और जो चीज़ पहले बात हुई थी कि women के साथ जाती हुई, I mean, I had the opportunity to practice in the US as well. आप American law firms को उठा के देख लें, how many partners are female there at large law firms? You know, it's a small minority. ठीक है ना? So again, in defense of Pakistan, this is not a problem unique to Pakistan. Auraton se zyaadati hai, wo well represented nahi. It's a global issue. Theek hai na? So just to reassure you ki ye Pakistani masla nahi, it's a global issue. People are doing things about it. Aur jahan aap aurat hain, ek expression main kafi apne students ko batata tha ek zamane mein, wo kehte hain ji good things happen to good people. Aur maine isko modify kiya, main kehta hu good clients happen to good lawyers. If you're a good lawyer, ultimately good clients will find you. Theek hai na? All you have to do is hang in there. आप certain principles बना लें. मैंने इन चीजों पे compromise नहीं करना, मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने एक पेज का document भी draft करना है ना, perfection में करना है, मैंने उसको well researched करना है, well drafted करना है. ठीक है, अगर आप अपने standard set करेंगे ना, fee आपको शुरू में छोटी मिलेगी, but eventually people will say कि you are one of the very few lawyers who is a professional, honest lawyer and who will do a good job. ठीक है ना, थोड़ी सी patience रखें, shortcuts ना ढूंढें और please ethical रहें. And one final, I'll close this. एक fable है जिसके अंदर एक बंदे ने कहा, he sent his sales representative to a different country. उसने कहा कि जी मैंने, I want to set up a shoe shop in a different country. वो बंदा वहाँ जाता है, कहता है कि sir, I don't think this is a good market. कहता why? कहता there are no shoe buyers over here. तो कहता this is all the more reason for you to open up a shoe shop there. ठीक है ना? So it's how you look at a particular problem. Just because औरतों के लिए काम नहीं, maybe you can carve out a niche for yourself कि वो ऐसा काम करें जो सिर्फ औरतों के पास ही जाए ना. So ये जो defeatist सी mindset जो है ना, this will not help. Positive mindset रखें, and if you're really driven, you will get there eventually. Thank you.
यू हैव टू बी द फ्लो. थैंक यू सो मच सर. मेरा लास्ट क्वेश्चन सर मियां अली इशफाक से और फिर हम सर ताहिर चौधरी से भी इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. सर मैसेज देना चाहेंगे हमारे कुछ मोटिवेटेड भी लॉयर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लॉ के, जो कि थोड़ा सा सिस्टम से डिसअपॉइंट हो जाते हैं. तो इस तरह के बच्चे जो कि अपने उस जर्नी को कैरी करना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा लेसन जो आपने अपनी सारी स्ट्रगल से सीखा और वो लेसन आप चाहते कि आप जब इस स्टेज पे थे कोई आपको ये लेसन देता जो कि आपको नहीं मिला, लेकिन एक लेसन है आपकी और वो आप हमारी यूथ से शेयर करना चाहेंगे? यू सी आई स्ट्रांगली सपोर्ट द नोशन जो कि बैरिस्टर हारिस ने जो सर वो कही कि इट्स योर ओन माइंडसेट. So when I started the practice, Josa, my mindset was, and I tell you practically, Josa, that has happened with me a couple of months that I was practicing 2 to 4 months. Some of my family member asked, "Ji, how much are you earning?" And I said, "Listen, I'm not there to earn the money at this point in time because of the reason that if I can give the tuition fees for my school, college, university, then law school for a period of about 15, 20, 21 years, why not I treat it that way that for next 2 years I would not be earning anything, but my earning is my further, you know, paying the fees. 2 saal mein agar bagair fees diye itna kuch seekh raha hoon and in return jo sa I am not earning any money, so my first earning is ki maine fees dena band kar di hai. And that is, you know, the practical side of it. Jo sa chalo wo main dusri side pe academic side pe jo sa wo hum padhte rahe hain, but asal learning jo si hai wo practical learning ho rahi hai. So this is how you start looking at it. And I tell you, you know, the motivation and the passion was so much. It was starting early, you know, 6 a.m. and that goes up to 11:30, midnight, 12 every day. So it's your own frame of mind through which you start thinking and looking at the things. कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं बनना क्या चाहता हूँ, मैं मेरी what are my imaginations, what are my standards and what are my goals. So you adjust yourself accordingly. अगर आप जो सा है वो इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जो है वो स्टार्ट करते हैं कि जी मैंने सबसे आगे बढ़ना है. एंड आई टेल यू आई मीन एट 7:30 जो सा आई वाज व्हेन आई स्टार्टेड द प्रैक्टिस आई यूज्ड टू बी इन लाहौर सेशन कोर्ट जो सा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट जो सा उस वक्त जो वहां पे क्लीनर्स जो से वो सफाई कर रहे होते थे. एंड 7:45 जो सा वो कोर्ट का स्टाफ जो सा आना शुरू होता था. 8:00 वाज द कोर्ट टाइमिंग. बाय द टाइम कोर्ट आती थी तो आप बहुत सी चीजें कोर्ट लगने से पहले ही सीख लेते थे ऑन द प्रोसीजरल साइड कि जी लिस्ट कैसे बनती है, आप रिकॉर्ड कीपिंग जो से कैसे करते हैं, रीडर्स जो से हैं जो हमारे पाकिस्तान में आई, यू नो, रिमेंबर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. किसी ने कहा जी कि कोई सम यू नो हार्वर्ड लॉ ग्रेजुएट से, कि जब हार्वर्ड से लॉ ग्रेजुएशन जो से की तो सोचा कि जी पाकिस्तान में आएंगे तो आपके चीफ जस्टिस साहब भी हमारे सामने नहीं खड़े हो सकेंगे. बट वेन वी वेंट टू अ पाकिस्तानी सिविल कोर्ट तो वहां का तो रीडर भी जो से हमसे नहीं संभाला गया. सो ऑन दैट साइड व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि यहाँ पे जो तरीकेकार जो प्रैक्टिस का है उसमें आपने स्ट्रीट स्मार्ट भी बनना है. आपकी प्रोसीजर लर्निंग जो सी है बहुत जरूरी है और वो आपको आती है जाके कोर्ट्स में. सो इट इज योर ओन फ्रेम ऑफ माइंड, द वे यू आर लुकिंग एट इट, द वे यू आर थिंकिंग एंड वेयर यू वांट टू एंड अप. एंड ऑन द अदर साइड, यू नो, मेरा ख्याल है कि मनी शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी फॉर द बिगिनर्स. इट शुड बी द लीस्ट बॉदर्ड थिंग फॉर द बिगिनर्स फॉर एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 5 years. I strongly, you know, like support this notion कि आपने जितना आगे बढ़ना है ना, जितना ज्यादा जो है, अगर say for example, if you know you have certain financial motivation जो है, तो जितना ज्यादा जो है वो आप मेहनत early stages पे कर लेंगे, जितना ज्यादा अपने आप को grill कर लेंगे, burn कर लेंगे, उतनी ज्यादा आपकी practice भी जो है वो ethical practice जो है अगर रखें तो वो चलेगी भी, उतनी ज्यादा financial goals भी आप achieve करेंगे. Now coming on the other side, you know, I have experienced in last 4 or 5 years while working in Karachi. I mean, I'm 3 days in Lahore, Karachi. So I have seen a lot of numerous number of judges at the level of district and sessions court. I tell you, you know, I have had the appearances in the anti-terrorism court, in the NAB courts. Most of the judges working there are female judges. And I'm going to be very, very honest about it. To be, at least in my humble opinion, the female judges working in Karachi in the ATC court and the other all special courts are far more intelligent, far more competent in my opinion than all those male judges. And I sometimes, you know, get so amazed about it ki this is not the way we are looking at the things in Lahore. Hamare paas jo hai wo Lahore mein shayad is tarah ki examples jo hai wo nahi hai jo ki Karachi mein hai. So
जो राणा साहब ने जो सर पॉइंट दिया ये भी बात दुरुस्त है, अगर रेशो वाइज देखें सो दिस इज एग्जैक्टली द रेशो अक्रॉस द वर्ल्ड, नो सर इट्स नॉट द केस इन पाकिस्तान, बट पाकिस्तान में भी जो सा है वो कुछ कदरे परसेंटेज और प्रोपोर्शन जो सा है वो फीमेल लॉयर्स और जजेस का जो कि प्रैक्टिस करती हैं कोर्ट्स में लिटिगेशन साइड पे वो बहुत बेहतर है कराची में देन यू नो इन माई ओपिनियन जितनी मेरी पाकिस्तान का एक्सपोजर है इस्लामाबाद में बेहतर है एंड देन यू नो नंबर थर्ड इज इन लाहौर एंड अदरवाइज जो सा है आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड दिस इज नॉट द वेरी यू नो प्राउड फैक्ट जो सा है बट दिस इज अ वेरी यू नो डिसअपॉइंटिंग थिंग कि एटलीस्ट जो हमारे लाहौर में वकालत को पता नहीं क्या हो गया है, आई मीन दिस इज नॉट द वकालत वी सी इन इस्लामाबाद और द वकालत वी सी कराची जो सा है, आई मीन एवरी नाउ एंड देन वी सी ऑल द बैड थिंग्स आर हैपनिंग इन लाहौर, हमारे जितने यंग अटर्नीज हैं उनको भी जो ज्यादा प्रॉब्लम है ये जो डिसअपॉइंटमेंट है सो कॉल्ड वो सारी लाहौर में ही है, आई डोंट सी दिस पैटर्न यू नो इन अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो जो लाहौर के सर्कमस्टेंसेस हैं और जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है दिस यू नो रिक्वायर्स ए सर्टेन अमाउंट ऑफ अटेंशन एंड सो ऑन यू नो अक्रॉस द कंट्री. थैंक यू सो मच सर, यानी कि हमारा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और हमें सिर्फ अपनी सैलरी को सामने रख के फिर उसका मोटिवेशन अपने लिए रखते हुए काम नहीं करना चाहिए, अगर आप गोल बड़ा सेट करेंगे तो आपको सीखने वाला एटीट्यूड रखना होगा, तो दिस इज़ व्हाट आई कंक्लूडेड फ्रॉम योर स्पीच. तो मैं हमारे इस पूरे सेशन को सर ताहिर चौधरी से अपना लास्ट क्वेश्चन करते हुए कंक्लूड करना चाहूँगी. सर आप अपने एक्सपीरियंसेस की लाइट में हमारे उन लॉयर्स को जो कि पूरी मोटिवेशन के साथ पूरे पैशन के साथ इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक बात करूंगा कि सबसे पहले तो एथिकल रहें आप प्रोफेशन में, और जिस तरह मियां साहब ने भी कहा कि शुरू के 2-3 साल वो पैसों का वो ना सोचें, सीखें, ज्यादा से ज्यादा सीखने की तरफ तवज्जो दें. जो मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है उसमें जो मुझे नजर आता है वो ये है कि बहुत स्पेस है काम करने वाले बंदे के लिए है मार्केट में, लेकिन काम करने वाले और कॉम्पिटेंट जो लॉयर्स हैं वो बहुत कम हैं. और ईमानदारी सबसे एक चीज जो है वो उसूल बना लें अपनी, अगर आप प्रैक्टिस में है कि ईमानदारी रखें. हमारे यहाँ पे होता यह है कि कुछ क्लाइंट अगर आता है तो कोशिश ये की जाती है कि इस क्लाइंट से एक ही दफा कोई निकलवा लें पैसे जिस तरह मर्जी करके, और जब वो क्लाइंट से काम होता है या नहीं होता, लेकिन वो क्लाइंट जब आपने उसके साथ गलत किया हुआ होता है, आपने उसके साथ दो नंबरी की भी होती है, तो वो दोबारा ना तो खुद तो कभी आएगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा और कोई बंदा उससे पूछेगा आपके बारे में कि मैं इन साहब के पास जाऊं, वो आपको मना कर देगा कि इनके पास ना जाएं. लेकिन अगर आप ईमानदारी के साथ किसी का काम किया हुआ है तो वो ना सिर्फ खुद, अगर उसको जिंदगी में कोई मसला हो ना सिर्फ वो खुद आएगा बल्कि वो अपने वाले जो हैं हल्का अहबाब में उनमें से किसी का कोई मसला होगा तो वो आपकी तरफ रेफर करेगा कि फुला वकील साहब के पास चले जाएं, वो आएंगे. तो एथिकल रहें और मेहनत करें, पैसा जाहिर है इस फील्ड में इस प्रोफेशन में मिलेगा ईमानदारी के साथ. I think sir is facing some connectivity issue again, so it's time to conclude our whole discussion, and I'm very thankful to all of our guests for joining us. And dear viewers, I think आपको आज के हमारे सेशन से बहुत से पॉइंट्स को नोट करने को मिले होंगे और बहुत से नए लेसन आपने सीखे होंगे जिनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैम वाइजा रफीक ने द इम्पोर्टेंस ऑफ नीड ऑफ वेमेन इन द फील्ड ऑफ लॉ को इतनी खूबसूरती से हाईलाइट किया, फिर सर राणा सज्जाद ने हाईलाइट किया कि हमें किस तरह से पॉजिटिव रहना चाहिए अपने फ्यूचर लॉयर्स को लेते हुए और इनकरेज करना चाहिए कि वो इस फील्ड में आए और हमारे इस फील्ड के मुस्तकबिल को बेहतर बनाए. सर मियाँ अली इशफाक ने हाईलाइट किया कि हमें अपनी सैलरी को अपनी मोटिवेशन नहीं बनाना चाहिए बल्कि लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए जब आप लॉ की फील्ड में हो. बैरिस्टर हारिस अजमत ने हाईलाइट किया डिफरेंट हमारे यहाँ पे जो
मोटिवेशंस होती हैं जब आप लॉ की फील्ड में आते हैं और लॉ का जो इमेज यहाँ पे बना हुआ है और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी यूथ की और उनको किस तरह से कम किया जा सकता है. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ आवर गेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आई होप कि आपके इनलाइटनिंग स्पीचेस से हमारे जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट लेवल पे हैं अभी और वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उनकी बहुत सी रहनुमाई हुई होगी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू जी. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. थैंक यू वेरी मच.